हेलो एवरीवन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन आर्डर ट्वेंटी फोर सेवन सो आप सभी लोगों का आर्डर ट्वेंटी फोर सेवन पर वेलकम है सो गाइस एवरीवन प्लीज़ लेट मी नो दैट माय ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर ओके टू एवरीवन मेरा ऑडियो वीडियो आप सभी लोगों को क्लियर है तो so, सेशन आज का स्टार्ट करते हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू द इंश्योरेंस पार्ट तो एक बार फटाफट सेशन में कनेक्ट हो जाइए अगर चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब भी, भी कर लिए वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिए सेशन लंबा होने वाला है तो बिल्कुल मोस्ट ऑफ़ द जो इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस के कुछ एम um, सी um, 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 हम लोग जो है कवर अप करेंगे और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट हैं वो भी हम लोग कवर अप करने वाले हैं तो एक बार फटाफट सभी लोग कनेक्ट हो जाइए एंड लेट मी नो दैट एवरीथिंग इज़ ओके कैसे आप लोग तैयारी वगैरह कैसी चल रही है कुछ लोगों का यू असिस्टेंट का भी पेपर होगा सिक्स ऑफ एफ को है ना एंड uh, कुछ लोगों का तेरह फरवरी को भी पेपर होगा है ना वैलेंटाइन डे से जस्ट एक दिन पहले है ना तो लोगों का भी पेपर है फिर कुछ लोगों का एस क्लर्क वगैरह के भी पेपर्स होंगे फिर आगे एन आई सी एल एन आई ए सी एल वगैरह के भी पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे सो लॉट ऑफ एग्जामिनेशनस आपको इंश्योरेंस के नेक्स्ट विद इन सिक्स मंथ्स के अंदर देखने को मिलने वाले हैं तो अच्छे से लग के प्रिपरेशन करिए अच्छे से लग के तैयारी करिए बिकॉज अगले छः महीने हमें इंश्योरेंस के बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और ये बिल्कुल ये जो सेशन है ये आप देख सकते हैं यू के लिए यू असिस्टेंट यू आई सी एन हो गया एन असिस्टेंट हो गया ठीक है सभी के लिए है ठीक सो दिस पर्टिकुलर सेशन इज़ फॉर एवरी इंश्योरेंस एग्ज़ाम है ना कोई भी आप इंश्योरेंस एग्जाम दे रहे हैं आगे चल के अगर एल वगैरह के भी आते हैं सो दिस विल हेल्प यू तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं है ना सो so, पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर हम लोग जो है कुछ डिस्कशन करेंगे uh, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पर uh, कुछ हम लोग एम वगैरह करने के बाद हम लोग कंसेप्ट पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे ओके सो दैट पॉइंट विल कवर ठीक है सो so वो हम लोगों का जो है डिस्कशन हमें जो है देखने को मिलने वाला है ठीक है तो चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का उद्देश्य क्या है फटाफट -फड़ करिए ये पीडीएफ आपको इसके बाद सेशन के बाद जो है टेलीग्राम uh, चैनल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर वहाँ पर आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी तो पीडीएफ के लिए बिल्कुल मत टेंशन लीजिएगा और आपके लिए कुछ कैप्सूल वगैरह भी अवेलेबल है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा ठीक है चलिए पहला क्वेश्चन अटम्प्ट करिए क्वेश्चन कई सारे जो है आ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पी आज मिल जाएगी पी टुडे यू विल गेट चलिए तो पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का उद्देश्य क्या है है ना क्योंकि इंश्योरेंस का एग्जामिनेशन है सो वी कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रधानमंत्री स्कीम्स है ना तो जीवन ज्योति बीमा योजना uh, और सुरक्षा बीमा योजना ये सारी स्कीम्स जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं ठीक है तो जिनका अगर छः फरवरी को पेपर है तो वही इशू नहीं आप अटेंट करिए क्वेश्चन डेफिनेटली उम्मीद करते हैं यहाँ से क्वेश्चन कुछ आपको जरूर मिल जाएगा तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का उद्देश्य क्या है तो यहाँ पर अगर, अगर हम बात करें तो ये जीवन ज्योति बीमा योजना तो याद रखिएगा जीवन की ज्योति बुझने पर ही पैसा मिलता है तो लाइफ रिस्क कवरेज है तो ये लाइफ रिस्क कवरेज जो है प्रोवाइड करता है तो यहाँ अगर हम देखें तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज जीवन बीमा कवरेज या पेंशन की योजना है या दुर्घटना और मृत्यु विकलांगता कवरेज प्रदान करता है तो ये बेसिकली लाइफ रिस्क कवरेज की तरह यहाँ पर काम करता है तो ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को जीवन बीमा कवरेज प्रदान करता है और याद रखिएगा शुरुआत में इसको जो है असंगठित क्षेत्र या अनऑर्गेनाइज के लिए निकाला गया था लेकिन प्रेजेंट टाइम में कोई भी इस इंश्योरेंस कवरेज को ले सकता है तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है ऑप्शन नंबर बी यहां पर आप सभी लोगों को सही देखने को मिलेगा ठीक है डिसेबिलिटी कवरेज कहा है भाई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में विकलांगता कवरेज कहाँ है भाई क्यों गड़बड़ कर रहे हो ऑप्शन नंबर डी नहीं पहला क्वेश्चन कैसे गड़बड़ कर दिया जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर ध्यान रखिएगा फोर थर्टी सिक्स रुपीज़ का मैक्सिमम आपको प्रीमियम देखने को मिलेगा पहले तीन सौ तीस रुपये का प्रीमियम हुआ करता था प्रेजेंट टाइम में फोर थर्टी सिक्स रुपीज़ चार सौ छत्तीस रुपये का प्रीमियम है मिनिमम एज जो है अट्ठारह साल है जो है इनकी मैक्सिमम एज है पचास साल और पचपन साल तक की एज तक कवरेज मिलता है और यहाँ पर पैसा तभी मिलता है जब जो है जीवन की ज्योति बुझ जाती है तभी यहाँ पर पैसा सरकार देती है अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का नामांकन के लिए पात्र कौन है कौन इसके लिए एलिजिबल है तो अभी मैंने इसका आपका जवाब भी दिया है ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मैंने दिया है तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए एलिजिबल लोग कौन है चलिए फटाफट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग कंसर्ट्स भी कवर अप करेंगे तो बताइए यहाँ पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के नॉमिनेशन के लिए इनमें से कौन पात्र है इनमें से किसको जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की फैसिलिटी मिल सकती है तो भारत के सभी नागरिक अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो हमें से कोई भी जो है ये इस स्कीम का फायदा उठा सकता है गरीब हो अमीर हो कैसा भी व्यक्ति हो कोई दिक्कत नहीं है बस हमारे पास एक बचत खाता होना चाहिए और एक बंदे को एक, एक अकाउंट पर ही ये फैसिलिटी जो है मिलने वाली है तो इसका भी हमें क्या करना है ध्यान रखना है तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर है अगला बताइएगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत ग्राहक कितना प्रीमियम को जो है पे करने की भुगतान करने की आवश्यकता पड़ती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को कितना जो है पैसा जो है हमें पे करने की जरूरत पड़ती है सो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम दैट विल हैव टू पे कितना प्रीमियम हमें अदा करना पड़ता है तो ध्यान रखिएगा पहले इसका प्रीमियम तीन सौ हुआ करता था बट प्रेजेंट टाइम में कितना है फोर थर्टी सिक्स रुपीज़ पर एमएम सो चार सौ छत्तीस रुपये हमें सालाना प्रीमियम भरना पड़ता है तो फोर थर्टी सिक्स रुपीज़ इज़ द एनुअल प्रीमियम दैट विल हैव टू पे तो चार सौ छत्तीस रुपये हमें सालाना जो है इसका प्रीमियम भरना पड़ेगा ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन के लिए आयु सीमा क्या है फटाफट फड़ कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर हम कंसर्ट्स भी इंश्योरेंस के कई सारे कंसर्ट्स रिवाइज करेंगे इंश्योरेंस ऑम्बर्समेंट क्या होता है इंश्योरेंस की हिस्ट्री क्या थी है ना इंश्योरेंस के टाइप्स हम डिस्कस करेंगे तो कई सारे पॉइंट्स हम सेशन में आगे डिस्कस करने वाले हैं तो बने रही सेशन में ये काइंड ऑफ अ मैराथन सेशन है जो हमें आगे आने वाले जो है चीज़ों में हमें देखने को मिलेगा ठीक तो यहां पर ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री जो है जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन के लिए आयु सीमा क्या है तो जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए ध्यान रखिएगा अट्ठारह से पचास साल तक के लोग जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से क्या करते हैं जुड़ सकते हैं तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जो मैक्सिमम एज लिमिट है फ्रेंड्स बहुत अच्छे से याद रखिएगा कितनी है अट्ठारह से पचास साल लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कब तक कवरेज मिलता है तो कवरेज मिलता है पचपन साल तक ठीक किसी भी रीजन से अगर जीवन की ज्योति बुझती है तो यहाँ पर हमें पैसा मिलता है ठीक है तो यहाँ पर जीवन की ज्योति बुझने पर पैसा है तो सीधा सा आंसर याद रखिएगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इज अ लाइफ रिस्क कवरेज स्कीम ये लाइफ रिस्क कवरेज स्कीम के तौर पर हमें देखने को मिलेगा अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत क्या लाभ प्रदान किया जाता है सो वट इज़ द बेनिफिट दैट विल गेट विद द हेल्प ऑफ द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से एक्चुअल में हमें बेनिफिट कौन सा मिलता है क्या बेनिफिट या क्या फायदा हमें मिलता है तो जवाब इसका कमेंट सेक्शन में बताइए तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से अगर हम बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर हमें दो लाख रुपए तक का जो है कवर मिलता है सो तो रुपये की राशि के साथ साथ जीवन बीमा कवरेज किसी भी कारण से मृत्यु होने पर दो लाख रुपए का कवरेज सो डेथ ड्यू टू एनी पर्टिकुलर रीजन सो वट विल गेट विल गेट टू लाख रुपीज कवरेज तो किसी भी कारण से अगर मृत्यु होती है तो वहाँ पर हमें दो लाख रुपये का कवरेज जो है हमें देखने को मिलता है ठीक है तो फटाफट फ़ड़ क्वेश्चन देखते रहिए जवाब इनका बताने की कोशिश करिए आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आंसर बता सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन तो कई सारे क्वेश्चन हैं सो विल कवर और लॉट ऑफ क्वेश्चन तो बिल्कुल फोकस करके पढ़िए अगला क्वेश्चन है बीमा में प्रीमियम का मतलब क्या होता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द प्रीमियम अगर आपने पिछला मैराथन सेशन देखा हो इससे पहले भी मैंने एक मैराथन सेशन किया था इंश्योरेंस का उसमें हमने इंश्योरेंस के टर्मिनोलॉजीज पढ़े थे और मैंने आपसे कहा था कि आगे आने वाले नेक्स्ट मैराथन सेशन में मैं आपके लिए इंश्योरेंस टर्म से जुड़े हुए क्वेश्चन ले आऊँगा सो आर द क्वेश्चन फटाफट आंसर बताइए क्या होगा बीमा में प्रीमियम का मतलब क्या होता है वट इज द प्रीमियम जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसके बदले में कुछ पैसा पे करते हैं इन द सिमिलर वे वेनवर वी बाई एनी पर्टिकुलर इंश्योरेंस पॉलिसी सो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट इंश्योरेंस पॉलिसी वट एवर द अमाउंट दैट विल पे इज नोन एस अ प्रीमियम तो कोई भी हम बीमा पॉलिसी खरीदते उसके बदले में जो हम पैसा बीमा कंपनी को देते हैं वो बेसिकली क्या कहलाता कहला है फ्रेंड्स प्रीमियम कहलाता है क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आसान है लेकिन ध्यान से जवाब दीजिएगा वहाँ पर तो द अमाउंट पेड बाई द इंश्योर टू द इश्योर्ड बीमा कंपनी बीमित व्यक्ति को देती नहीं द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाई द इंश्योर्ड मैं इंश्योर्ड हूँ और मैं इंश्योरेंस कंपनी को जो पैसा पे करता हूँ तो so, बीमा धारक द्वारा बीमाकर्ता को जो भुगतान की गई राशि है जो बीमा पॉलिसी ले रखा है वो जो पैसा पे करता है इंश्योरेंस कंपनी को उसको हम कहते हैं क्या प्रीमियम कहते हैं प्रीमियम एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है प्रीमियम जरूर ध्यान रखिएगा व्हाट इज अ प्रीमियम प्रीमियम जो हम पैसा पे करते हैं इंश्योरेंस के टर्म्स के अंदर प्रीमियम इज अ वेरी पॉपुलर वर्ड प्रीमियम बहुत ही पॉपुलर टर्म है चलिए अगला बताएगा वेन वॉज द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब कॉन्स्टिट्यूट हुई कब जो है सेटअप किया गया आगे हम आई के बारे में बात भी करेंगे आज के सेशन में कि आई आर डी आई कैसे सेटअप हुआ इसके पीछे की क्या कहानी है बट आई की अगर हम बात करें जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है एक्चुअल में उसके सेटअप के लिए कब पूरी तरीके से काम किया गया तो हमें ध्यान रखना है हमारे देश में बीमा कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए आई आर डी आई दैट इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है काम करता है और उसके लिए हमारा फ्रेंड्स क्या है आई आर डी ए आई एक्ट है जो कि 1999 में जो है सेटअप किया गया था ऑडियो लो आ रहा है क्या ओ आई स्लो है मेरी तरफ से तो ओके okay है मैं एक बार चेक हाँ मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूँ चलिए एक बार बिल्कुल ऑडियो जो है चेक कर लेते हैं सो विल इंक्रीज दैट चलिए तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखिएगा तो आईआरडीआई एक्ट की अगर हम बात करें तो 1999 इंश्योरेंस रिलेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1999 हमें देखने को मिलेगा ठीक तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा अगला बात करते हैं नेक्स्ट वन वेन द जनरल इंश्योरेंस वेन द जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट कॉरपोरेटेड जनरल इंश्योरेंस एक्ट देश में पहली बार कब आया चलिए तो ये पॉइंट हमें क्लियर है तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है तो क्वेश्चन है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट बेसिकली कब कॉरपोरेट हुआ तो पहली बार ध्यान रखिएगा एक बार चलिए बताइए सभी लोग ऑडियो ओके है क्या कि थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करते हैं क्योंकि मेरी तरफ से ओके okay है आपकी तरफ से बताइए अगर ऑडियो बढ़ाना हो तो ऑडियो आई थिंक ओके क्लियर है कमेंट करके एक बार बाकी लोग बता दीजिए सभी लोग क्योंकि कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे वैसे चलिए देखते हैं हमारे यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइज करने के लिए एक्ट कबाया था 1972 में जिसको हम जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट 1972 के नाम से हम लोग जानते हैं है ना तो इसके नाम से हम इसको जानते हैं जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट 1972 ठीक तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा तो 1972 में हमारे यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस जी जो है इसको सेटअप किया गया था और हमारे देश में उस समय लगभग एक जनरल इंश्योरेंस की कंपनियाँ सामान्य बीमा की कंपनियाँ काम कर रही थी जिनको गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया था जिनको गवर्नमेंट ने क्या किया था कंट्रोल कर लिया था और उसको टेक ओवर कर रात

इंश्योरेंस कंपनी बाहर की कोई विदेशी इंश्योरेंस कंपनी भारत में कितना पैसा इंश्योरेंस के काम में इन्वेस्ट कर सकती है तो कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है ध्यान रखिएगा कितने परसेंट की लिमिट अलाउ है तो सेवेंटी फोर परसेंट की लिमिट जो है अलाउ है ठीक है तो ध्यान रखिएगा सेवेंटी फोर परसेंट की लिमिट हमें देखने को मिलती है और बाहर की कोई कंपनी इंडिया में इंश्योरेंस के बिजनेस में सेवेंटी फोर परसेंट पैसा इन्वेस्ट कर सकती है लेकिन अगर यहीं पर क्वेश्चन ये पूछ लिया इंश्योरेंस इंटरमीडियरी जो इंश्योरेंस इंटरमीडरीज की तरह जो कंपनियां काम करती हैं उनके लिए एफ की लिमिट कितनी तो सौ आंसर होगा मतलब जैसे मैं अगर बात करूँ तो जैसे आपने नाम सुना होगा पॉलिसी का पॉलिसी बाजार डॉट काम क्या है एक इंश्योरेंस इंटरमीडरी है एक तरीके से एजेंट की तरह काम करती है जो इंश्योरेंस कंपनियों की पॉलिसी हमको बेचती है इस तरीके की कंपनियों में जो इंश्योरेंस इंटरमीडरीज हैं उनमें एफ डी आई की लिमिट सौ परसेंट है लेकिन अगर पूछा जाए इंश्योरेंस के अंदर एफ डी आई की लिमिट क्या है तो कितना है ये आपका जो है सेवेंटी फोर परसेंट एफडीआई को हम लोग फ्रेंड्स नाम देते दिस इज नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ठीक एक बात और याद रखिएगा एफ डी आई की जो लिमिट है इंडिया में बैंक सेक्टर में कितनी है बैंक और किस तरीके की मैं बैंक की बात कर रहा हूं पब्लिक सेक्टर बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सरकारी बैंक में एफ डी आई की लिमिट ध्यान रखिएगा कितनी है ट्वेंटी परसेंट है और एफ की लिमिट प्राइवेट बैंक्स के अंदर भारत के जो प्राइवेट बैंक हैं निजी बैंकों के अंदर एफ की लिमिट कितनी है सेवेंटी है ठीक है तो अगर बाहर की कोई भी विदेशी कंपनी हमारे किसी भी कंपनी के अंदर पैसा निवेश करती है अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करती है कितना 10% परसेंट या उससे ज़्यादा 10% परसेंट या उससे ज़्यादा तो ये कैटेगरी में आता है एफडीआई के और ऐसे एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है जिसमें अगर कोई कंपनी हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करती किसी बिजनेस में एंड वगर उसका इन्वेस्टमेंट टेन परसेंट या उससे कम का है तो उसको हम एफ की कैटेगरी में डालते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में डालते हैं तो प्राइवेट बैंक में बाहर का कोई बंदा कितना पैसा लगा सकता सेवेंटी फोर सरकारी बैंकों में, में कितना लगा सकता है ट्वेंटी इंश्योरेंस में कितना लगा सकता है सेवेंटी टेलीकॉम सेक्टर के लिए सरकार ने अब सौ फीसदी कर दिया है डिफेंस में 49 परसेंट वैसे अलाव है लेकिन वहां पर परमिटेड रूट के थ्रू वहां पर 74 परसेंट तक भी एफडीआई के लिए जा सकते हैं लेकिन डिफेंस में केवल मैन्युफैक्चरिंग के, के सेगमेंट में ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं एफडीआई में अभी नहीं एंटर करेंगे कंसर्ट पर आते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जीवन बीमा निगम जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी जो हमारे देश में सबसे बड़ी जो इंश्योरेंस कंपनी आपको देखने को मिलती है काइंड ऑफ अ जॉइंट प्लेयर है ना जो कहते हैं ना लगभग 245 कंपनियों को आगे आपको दिखाऊंगा अभी 245 कंपनीज को एफ का फुल फॉर्म फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एल जो है 245 कंपनियों को मिलाकर एक कंपनी बनाई गई थी और ये कब बनाया गया था फ्रेंड्स याद रखिएगा फर्स्ट ऑफ सितंबर 1956 फिफ्टी एक सितंबर 1956 को एल का गठन किया गया था ठीक है और एल आई सी इज अ वेरी बिग ज्वाइंट प्लेयर है और एल को ध्यान रखिएगा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी योगक्षेम वहां मयम इसमें आपको तीन देखने को मिल जाती है ठीक है तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक सितंबर उन्नीस को जो है इसको पूरी तरीके से सेटअप किया गया था आगे बात करते हैं अगला नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं इंश्योरेंस इज़ लीगलाइज बाई हमारे देश में असल में इंश्योरेंस के काम को देखने के लिए कौन सी कंपनी काम करती है कौन सा मतलब गवर्नमेंट देखती है इंश्योरेंस का जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल स्टेट सब मिलके कर लेते हैं कौन कंट्रोल करता है तो याद रखिएगा हमारे देश में फ्रेंड्स जो इंश्योरेंस का काम है इंश्योरेंस का काम देखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है है ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें तो सेवन स्केड्यूल के अंदर जो सातवीं अनुसूची जो सेवन्थ स्केड्यूल है अनुसूची है उसके अंदर यूनियन सब्जेक्ट लिखे हुए हैं कि किन विषयों में कानून केंद्र सरकार बनाएगी तो बैंक हो गया इंश्योरेंस हो गया डिफेंस हो गया रेलवे हो गया ऐसे मामलों में कानून कौन बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार बनाती है ठीक है जमीन उमीन के मामले में तो उसमें राज्य सरकार भी इन्वॉल्व हो जाती है केंद्र सरकार के साथ काम करती है ठीक है तो आपको देखने को मिलेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट केंद्र सरकार क्या होती है जिम्मेदार होती है अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इनमें से कौन सा बीमा का सिद्धांत नहीं है लास्ट अगर आपने मैराथन सेशन नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा उसमें उसमें मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कराए थे बीमा के सिद्धांत कराए थे आज मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज भी करा दूंगा आपको बट बताइए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस निम्नलिखित में से कौन सा बीमा का सिद्धांत नहीं है, है ना नहीं वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत फोकस करके पढ़िएगा नहीं वाला है तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अट गुड फेथ कॉज प्रॉक्सिमा। तो भाई ध्यान रखिएगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट इज द नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है ना मैक्सीमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट ये मुनाफा खूब कमाना मुनाफा खूब बढ़ाना ये कोई बीमा का सिद्धांत नहीं है लेकिन बाकी के जो है इंश्योरेंस के प्रिंसिपल हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है अगर हम एक से अधिक कंपनियों से बीमा ले लेते तो सभी कंपनियां मिलकर के वहाँ पर जितना हमारा कुल नुकसान हुआ बस उतनी की भरपाई करेंगे अटमोस्ट गुड फेथ भरोसे का सिद्धांत है हम और इंश्योरेंस कंपनी एक दूसरे को अपनी सारी बातें बिल्कुल सही ढंग से बताएंगे सारी बातें सही से ही बताएंगे कॉज ऑफ अप्रॉक्सम क्या है सबसे पास के कारण के लिए बीमा कंपनी जो आपको पैसा देती है और इसी के लिए बीमा होता है जैसे हमने एक चूहे वाला और कॉर्गोशिप वाला एग्जाम्पल देखा था अगर आपने सेशंस पढ़ा हो वो लास्ट सेशन देखा हो जो लास्ट मैराथन क्लास था चलिए अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट फड़ कमेंट सेक्शन में चलिए आप फोकस करिएगा यहां पर है ना तो इस पर पढ़ते रहिएगा है ना मैं बहुत ज्यादा कमेंट्स आपके नहीं लूंगा हाँ एग्जाम में भी बाय आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस तो क्वेश्चन अंग्रेजी हिंदी भाई दोनों में रहेंगे ठीक है चलिए पढ़ते हैं हाउ लॉन्ग इज द फ्री लुक पीरियड इन द इंश्योरेंस अंडर द टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी डेट ऑफ द रिप्ट ऑफ द पॉलिसी ये फ्री लुक पीरियड क्या होता है मैंने आपको इंश्योरेंट टर्मनोलॉजी पढ़ाई थी पिछले मैं रहा था सोशन में अगर आपको याद हो फ्री लुक पीरियरियड क्या होता है फ्री लुक पीरियड वो होता है जैसे हम अमेजॉन फ्लिपकार्ट से भाई कोई सामान मंगाते हैं हमको नहीं समझ में आया तो वी कैन रिटर्न दैट है ना हम उसको वापस करके अपना पैसा ले सकते हैं इन द सिमलर वे जब आप कोई नई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो अगर आपको वो इंश्योरेंस पॉलिसी समझ में नहीं आती है आपको नहीं लगा सही नहीं है तो आप उसको वापस कर सकते हो और ऑलमोस्ट आपका सारा पैसा वहाँ इंश्योरेंस कंपनी वापस कर देगी आपको थोड़े बहुत जो है अपने टेस्ट वगैरह हुए हैं या उसका कुछ क्या एक्सपेंसिस हुआ वो काट के टैक्स वगैरह बाकी पूरा पैसा हमें मिल जाता है मतलब हम अपनी इंश्योरेंस कंपनी वापस कर सकते हैं तो ये वो टाइम जिसमें आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी वापस कर सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं फ्री फ्री लुक पीरियड या फिर उसको हम फ्री लुक इन पीरियड कहते हैं तो ये अमूमन 15 से 30 दिन का होता है तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15 डेज़ का डिपेंडिंग ऑन द इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी टू पॉलिसी ये वेरी करता बट अमूमन फ्री लुक पीरियड जो है

नेशनलाइज़ uh, किया गया और उसके लिए कुछ ना कुछ कानून बनाया गया नेशनलाइज नहीं बेसिकली कानून बनाया गया पहली बार जीवन बीमा के लिए हमारे देश में इसके बारे में हम पॉइंट डिस्कस करेंगे पहले हमारे देश में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि हमारे देश में जीवन बीमा के काम को कंट्रोल करने के लिए पहली बार कोई कानून लाया गया और ये मैं भी आपको थोड़ी सी हिस्ट्री भी दिखाऊंगा हिस्ट्री भी थोड़ी सी आपको रिवाइज़ करा दूंगा ताकि आप एग्जाम से पहले तैयार हैं तो ध्यान रखिएगा पहली बार हमारे देश में लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट नाइनटीन लाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा और ये पहली बार था जब हमारे देश के अंदर जीवन बीमा के बिज़नेस को नैश जो है रेगुलेट करने के लिए एक कानून लाया गया था और इसका मकसद ये था कि उस समय सभी कंपनियां बहुत ज़्यादा हाई प्रीमियम रखते थे बहुत महंगे दाम पर पॉलिसीज़ बेचा करती थी तो थोड़ा सा उन पर नियंत्रण लाने के लिए कि एक्चुअली के थ्रू वो इंश्योरेंस कंपनियाँ थोड़ा सा परमिशन वगैरह ले करके अप्रूवल वगैरह दे करके फिर उसको काम कर सकें तो पहली बार इंश्योरेंस के बिज़नेस को रेगुलेट करने के लिए उन पर नियम लगाने के लिए उनको कंट्रोल करने के लिए 1912 में पहली बार लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से एक्ट आया था है ना उसके बाद जो है इंश्योरेंस की अगर बात करें इसके बाद एक्ट आया 1938 में फिर उस बिजनेस को नेशनलाइज कर दिया गया 1956 में फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो आई आई एक्ट आ गया जिसके थ्रू सारा इंश्योरेंस बिजनेस जो है वो कंट्रोल कर लिया गया वेन वॉज द इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस कंपनी स्टैब्लिश ये पहली जो है आपको जनरल इंश्योरेंस कंपनी के तौर पर देखने को मिलती है भारत की इंडियन मर्केंटाइल दिस पर्टिकुलर कंपनी तो इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस ये कंपनी कब इस्टैब्लिश हुई तो ये ध्यान रखिएगा ये इस्टेब्लिश हुई नाइनटीन हंड्रेड सेवन में उन्नीस सौ सात में ये बनी और ये हमारी पहली जो है कंपनी आपको देखने को मिलेगी जो कि जिसने काम किया जो है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस की तरह दिस वन वॉज द फर्स्ट कंपनी अगला देखते हैं द न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड एन आई ए सी एल जिसका आपने उम्मीद करता हूँ फॉर्म भी भरा होगा एन आई ए सी एल का अभी असिस्टेंट का इसका फॉर्म आया हुआ है इसका नोटिफिकेशन भी ओपन है तो एन आई ए सी एल तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी लिमिटेड इसका जो है काम क्या है बेसिकली कैसा ये काम करती है तो आज के सेशन में थोड़ा सा हम बात करने की कोशिश करेंगे जनरल इंश्योरेंस क्या होता है टाइप्स ऑफ डिफरेंट इंश्योरेंस हम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग आज के सेशन में बात करेंगे तो ये क्या है फ्रेंड्स ये एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है ये एक सामान्य बीमा कंपनी है जो क्या करती है जनरल इंश्योरेंस को प्रोवाइड करने के लिए काम करती है सो दिस वन इज रिस्पॉसिबल फॉर प्रोवाइडिंग द जनरल इंश्योरेंस तो जनरल इंश्योरेंस के लिए क्या करती है काम करती है अगला देखते हैं वेन वॉज द लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर वॉज नेशनालाइज भारत में पहली बार जीवन बीमा के पूरे के पूरे, पूरे बिजनेस को राष्ट्रीयकृत किया गया और सबको मिलाकर एक कंपनी बनी एल आई सी सो वेन द इंश्योरेंस बिजनेस वॉज नेशनालाइज्ड विद इन इंडिया हमारे देश में इंश्योरेंस के बिजनेस को कब नेशनलाइज किया गया तो टाइम ड्यूरेशन याद रखिएगा नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में द इंश्योरेंस बिजनेस वॉज नेशनलाइज्ड इंश्योरेंस बिजनेस को क्या कर दिया गया राष्ट्रकृत किया गया इसको जो है नेशनालाइज कर दिया गया चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन अगला देखते हैं मोटर वाहन बीमा में व्यक्ति दुर्घटना कवर निम्नलिखित में से किसके लिए मुआवजा प्रदान करता है मैं मोटर व्हीकल इंश्योरेंस भी थोड़ा सा बताऊंगा आपको ठीक है तो उसके बारे में भी आगे चल के देखेंगे पहले एमसी क्यू ट्राई करते हैं पर्सनल एक्सीडेंट कवर इन द मोटर व्हीकल इंश्योरेंस इन द मोटर इंश्योरेंस मोटर व्हीकल इंश्योरेंस प्रोवाइड्स कंपनसेशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जो दुर्क जो व्हीकल बीमा होता है जो वाहन बीमा होता है वाहन बीमा हमें किस प्रकार के खतरों से बचाता है या विच टाइप के इंश्योरेंस को कवर करता है तो ऑप्शन है डैमेज टू द इंश्योर्ड व्हीकल बीमित वाहन को नुकसान पहुँचता उसको बचाता है तीसरे पक्ष के वाहनों को नुकसान पहुंचाता है डैमेज टू द थर्ड पार्टी व्हीकल्स हमारी गाड़ी किसी को गाड़ी को ठोक देती है तो उसको कवर करता है तीसरा मेडिकल एक्सपेंसेस एंड डिससेबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सीडेंट ये व्यय और दुर्घटनाओं के परिणाम की विकलांगता को कवर करता है और बीमित वाहन में निजी सामान की हानि को कवर करता है लॉस ऑफ द पर्सनल इफेक्ट्स इन द इंश्योर्ड व्हीकल तो ये जो पर्सनल एक्सीडेंट कवर इन द मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में बेसिकली किसको कवर करता है ये इसको कवर करता है कि कोई बंदा अगर एक्सीडेंट कर देता है तो अगर मैंने ये कवरेज ले रखा है तो उसमें जो बंदा गाड़ी ठोक रहा है या जिसने गाड़ी लड़ा दी उसका इलाज कराने के लिए जो उसके खर्चे वगैरह होते हैं वो सब बीमा कंपनी के थ्रू पे किए जाते हैं तो चिकित्सा चिकित्सावय और दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप अगर कोई डिसेबिलिटी आती है कोई ट्रीटमेंट का एक्सपेंसेस आता है तो वो सारे पैसे खर्च करती है ये कंपनी ठीक इंश्योरेंस के बिजनेस में मोटर व्हीकल के इंश्योरेंस में फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी दो तरह का इंश्योरेंस होता है फर्स्ट पार्टी क्या होता है जैसे हम लोग हैं और हमारी गाड़ी है तो जनरली हमको फर्स्ट पार्टी और सेकेंड पार्टी का जाता है इंश्योरेंस के बिजनेस में दो ही तरह का इंश्योरेंस होता है फर्स्ट पार्टी मोटर व्हीकल की अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस फर्स्ट पार्टी में हम और हमारी गाड़ी कवर होती है थर्ड पार्टी में हमने अगर किसी की गाड़ी लड़ा दी या हमारी गाड़ी ने किसी गाड़ी को ठोक दिया तो उसका बीमा जो है वो भी हमारी इंश्योरेंस कंपनी करती है तो इसको हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं अभी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा इसके बारे में तो फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस होता है यहाँ पर पर्सनल एक्सीडेंट कवर की बात हो रही है तो ये देखने को मिला इंडिया में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी है बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के आप भारत के अंदर गाड़ी नहीं चला सकते किसी भी टाइप का व्हीकल चाहे वो टू व्हीलर हो फोर व्हीलर हो थ्री व्हीलर हो तो नहीं चला सकते ठीक है तो वो बिल्कुल मैंडेटरी है ताकि हम अगर किसी गाड़ी को एक्सीडेंट करें तो उस केस में अगले का तो इलाज हो ही जाए कम से कम और नई नई गाड़ी रहती है तो लोगों का फर्स्ट पार्टी भी तो कराते ही चलिए अगला बताइएगा एनसीबी क्या होता है इंश्योरेंस के अंदर इंश्योरेंस के बिजनेस में नो क्लेम बोनस क्या होता है व्हाट इज अ नो क्लेम बोनस इन द इंश्योरेंस बिजनेस इंश्योरेंस के बिजनेस के अंदर नो क्लेम बोनस क्या होता है बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि नो क्लेम बोनस फ्रेंड्स केवल इंश्योरेंस में मोटर इंश्योरेंस में होता है ऐसा नहीं है लगभग अगर आप देखें अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस में तो हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस के अंदर भी नो क्लेम बोनस चलता है ठीक ये क्या होता है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं ठीक नो क्लेम बोनस में क्या होता है अगर हम मोटर व्हीकल है और मान लेते हैं हमने इस साल गाड़ी का अपना बीमा कराया वाहन बीमा कराया मोटर इंश्योरेंस कराया और हमारी गाड़ी का कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ कुछ भी नहीं गाड़ी बिल्कुल छका है ना हमने कोई क्लेम लिया हमने कोई क्लेम ही नहीं लिया तो ऐसे में क्या होता है इंश्योरेंस कंपनी का कोई खर्चा हुआ नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी बड़ी खुश होती है और जब अगले साल आपको प्रीमियम भरना होता है तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है सर देखिए अगले साल आपने कोई क्लेम नहीं लिया था मतलब लास्ट ईयर आपने कोई भी नहीं क्लेम लिया था तो इसलिए हम आपको कुछ छूट देते हैं कुछ डिस्काउंट देते हैं सर पिछले साल आपने दस हज़ार का प्रीमियम भरा था इस बार बस आठ हज़ार भर दिए तो आपको प्रीमियम्स पर डिस्काउंट कई बार मिल जाते हैं ये होता है नो क्लेम बोनस अगर आप कोई क्लेम नहीं करते तो इंश्योरेंस कंपनी आपको फ़ायदा देती है अगर मैंने इस साल मान लेते कोई क्लेम ले लिया है तो जनरली होता क्या है इंश्योरेंस कंपनी के अंदर क्लेम लेने के बाद अगले साल जो है आपका प्रीमियम जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है और इसीलिए कहा जाता है अगर गाड़ी का को कोई एक्सीडेंट हो तो छोटी मोटी चीज़ के लिए क्लेम लेने नहीं पहुंचना चाहिए क्योंकि तो अगर आप छोटी मोटी चीज़ के लिए क्लेम लेने पहुंचे रहेंगे इंश्योरेंस कंपनी के पास तो जब अगले साल आप प्रीमियम भरेंगे तो प्रीमियम बहुत बड़ा आएगा तो इसलिए अगर ज्यादा ज़्यादा अगर सीरियस डैमेज नहीं है गाड़ी के अंदर तो उसको जाके उसका क्लेम जो है तुरंत नहीं लेना चाहिए कोई सीरियस इंजरी कोई सीरियस डैमेज है गाड़ी के अंदर तब भले चले जाए इसी तरीके से फ्रेंड हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर भी नो क्लेम बोनस मिलता है स्वास्थ्य बीमा मान लेते मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा इस साल कोई इलाज नहीं कराया है ना सब ऊपर वाले की कृपा से सब चकाचक चला कोई इलाज नहीं कराया तो अगले साल कंपनी क्या कह रही है एक दो साल सर आपने कोई इलाज नहीं कराया तो अब हम आपका कवर जो है पहले जो आपका पाँच लाख का कवर था उसमें मान लेते हैं हम फिफ्टी परसेंट उसको और बढ़ा देंगे अब आपका पाँच लाख की बजाय सर साढ़े सत का कवर हो गया आपने दो साल और नहीं कवर लिया तो सर और पचास परसेंट बढ़ गया मतलब चार साल में दो साल में उसको डबल कर दिया तो आपका कोई कवरेज बढ़ा देता है कोई प्रीमियम में डिस्काउंट देता है तो ये होता है फ़ायदा नो क्लेम का तो अगर कोई बहुत ज़रूरी ना हो सो देर इज नो नीड टू टेक द क्लेम ठीक है तो नो क्लेम बोनस हमें क्लियर है ठीक है तो नो क्लेम बोनस क्या होता है ये अवेवर ऑफ प्रीमियम ईच क्लेम फ्री ईयर है ना हमें जो है जो प्रीमियम है उस पर हमें छूट मिल जाती है और वो लगभग जितने साल हम क्लेम नहीं लेते हर साल हमें कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट मिलता है एडिशनल कवरेज फॉर द एक्सीडेंटल डैमेज नहीं एडिशनल कवरेज हमें नहीं मिलता पेनल्टी फॉर लेट प्रीमियम पेमेंट नो कंपनसेशन फॉर एक्सीडेंटल कॉज बाई अनश्योर ड्राइवर नहीं इन तीनों से कोई मतलब नहीं ठीक है तो आप में से काफ़ी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बता दिया था तो सी इज़ नॉट थे ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला है अ कॉम्प्रिहेंसिव मोटर व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी कवर्स द फॉलोइंग एक व्यापक मोटर वाहन बीमा पॉलिसी निम्नलिखित में से किसको कवर अप करती है मेरे को भी बताइए अगर एक आपने कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ले रखी है मोटर व्हीकल इंश्योरेंस की पॉलिसी तो इफ़ देयर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान अगर आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है तो क्या क्या कवरेज आपको जो है देखने को मिल जाएगा इफ देयर इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तो हमें क्या क्या कवरेज जो है देखने को मिल जाएगा अगर हमने कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पूरा का पूरा ले लिया है सो इफ वी हैव टेकन द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तो हमें कौन सा कवरेज जो है देखने को मिलता है बताइए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के अंदर कौन सा कवरेज देखने को मिलेगा तो ऑप्शन है थर्ड पार्टी केवल मिलेगा डैमेज टू द इंश्योर्ड व्हीकल जो बीमित वाहन है केवल उसको नुकसान पहुंचेगा वो मिलेगा थर्ड पार्टी की देनदारी और बीमित वाहन को भी क्षति थर्ड पार्टी भी कवर होगा और साथ ही साथ जो हमारा व्हीकल है वो भी कवर होगा और अगला ऑप्शन है डैमेज कॉज्ड बाय द नेचुरल क्लैमरिटीज़ बट नॉट बाय द एक्सीडेंट केवल प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति का कवरेज होगा एंड पूरा कवरेज नहीं होगा तो क्या होगा फ्रेंड्स सही आंसर सभी लोग एक बार फटाफट फड़ ट्राई करो कमेंट सेक्शन बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर आई थिंक सभी लोग बता सकते हैं फटाफट फड़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या होगा करेक्ट आंसर इसमें से अगर हमारा कोई कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपका किसी तरह का हो चाहे वो व्हीकल इंश्योरेंस का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो चाहे मेडिकल इंश्योरेंस का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो या मरीन इंश्योरेंस का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो फायर इंश्योरेंस का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो तो कभी भी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज अगर होता है तो इसका मतलब ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें उसके अंदर कवर होती हैं तो यहाँ पर आपका थर्ड पार्टी भी कवर होगा और साथ ही साथ व्हीकल को अगर कोई नुकसान पहुँचता जो इंश्योर्ड व्हीकल को कोई डैमेज है तो मतलब फ़र्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी सभी तरह की लाइबिलिटीज़ यहाँ पर क्या होती हैं कवरेज की जाती हैं और कवर होती हैं फर्स्ट पार्टी एज वेल एज थर्ड पार्टी ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स आर बेसिकली कवर विद इन दिस पर्टिकुलर पॉलिसी अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेते हैं अगला देखते हैं मोटर वाहन बीमा में कटौती का तात्पर्य क्या ये डिडक्शन फ्रेंड्स हमें कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो इसमें डिडक्शन या डिडेक्टेबल्स हमें देखने को मिलते हैं ये क्या होता है क्वेश्चन पढ़िए जवाब बताइए ये डिटेक्टेबल्स क्या होते हैं वाट आर द डिटेक्टेबल्स बताइए कमेंट सेक्शन में आंसर द डिडक्टेबल्स इन द मोटर व्हीकल इंश्योरेंस इंप्लाइस है ना इंप्लाइज है ना डिडेक्टेबल्स क्या होते हैं देखिए देखिए फ्रेंड्स डिडेक्टेबल्स अच्छे से समझ लीजिए थोड़ा सा क्या होता है देखिए जब कभी भी हम क्लेम लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी से हमें लगता है यार मेरी गाड़ी का नुकसान हो गया हम क्लेम ले लेते हैं तो जब कभी भी हम क्लेम लेते हैं तो क्लेम का पूरा पूरा पैसा हमें नहीं मिलता उसमें हमें कुछ फीस जो है पे करनी पड़ती बीमा कंपनी को एट द क्लेम एट द टाइम ऑफ द क्लेम विल हैव टू पे सर्टेन चार्जेस हम कुछ चार्जेस पे करते हैं इवन अगर हमने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है कोई स्वास्थ्य बीमा ले रखा है तो स्वास्थ्य बीमा में भी हमें क्या करना पड़ेगा कुछ सर्टेन चार्जेस पे करने पड़ेंगे और वो जो हम चार्ज पे करते हैं दैट चार्ज इज बेसिकली नोन एज अ डिटेक्टेबल वो जो हम कोई क्लेम करते समय हमसे बीमा कंपनी जो चार्ज लेती है उसको हम लोग क्या कहते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं बेसिकली डिटेक्टेबल्स तो प्रीमियम अमाउंट टू तो बी पेड बाय द पॉलिसी होल्डर गलत कंपनसेशन बाय द कंपनसेशन पेड बाय द इंश्योर टू द इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर नो इनिशियल कवरेज अमाउंट प्रोवाइडेड बाय द इंश्योर नो अ पोर्शन ऑफ द क्लेम अमाउंट दैट विल बी बॉर्न बाय द पॉलिसी होल्डर जो हम क्लेम कर रहे हैं दावा राशि का वह हिस्सा जो पॉलिसी धारक को भरना पड़ता है मतलब अगर हम कोई क्लेम करेंगे तो उसमें कुछ पैसे का पोर्शन हमें अपनी जेब से बनना पड़ता है एंड दैट इज़ नोन एज अ डिटेक्टेबल्स तो जब कभी भी आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो आप जरूर उस चीज़ को देखेंगे कि आपको वहाँ पर डिटेक्टेबल चार्जेस कितने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ द क्लेम तो कुछ कंपनियां क्या करती हैं ये बातें छुपा के रखती हैं और आपको एग्जैक्टली क्लियर कट नहीं बताती हैं वहाँ पर दिखाती नहीं शो नहीं करती कि कितने डिटेक्टेबल्स रहेंगे तो जब आप क्लेम करते तो हमें पता चलता है कि अगला वाला पाँच परसेंट ले रहा था ये तो ज़्यादा ले रहे हैं है ना सो डिटेक्टेबल्स आर द इम्पॉर्ट पैरामीटर दैट वी शुड लुक वाइल टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी चलिए अगला पढ़ते हैं मोटर वाहन बीमा में सर्वेक्षण का क्या उदाहरण है वट इज़ द पर्पज ऑफ सर्वे इन द मोटर व्हीकल इंश्योरेंस मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में सर्वेयर का ऑब्जेक्टिव क्या है एन आई ए सी एल का असिस्टेंट का जो आपका फॉर्म आया है वो बिल्कुल अगर आपने से कोई चाहे तो भरना भर सकता है ठीक है वो अभी शायद एक फरवरी से ही शायद उसका एक ऐसा हाँ फर्स्ट ऑफ एफ से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है ठीक तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिए तो चलिए पढ़ते क्या होता है ये कैलकुलेट करता है प्रीमियम अमाउंट फॉर द पॉलिसी इंस्पेक्ट करता है इंश्योर्ड व्हीकल फॉर द पॉसिबल रिस्क डिटरमाइन करता, करता है एलिजिबिलिटी फॉर द कवरेज और एवेलुवेट करता है ड्राइविंग स्किल एंड द पॉलिसी होल्डर तो बेसिकली इसमें ये दोनों ऑप्शन बहुत ही क्लोज हैं लेकिन आप किसी भी ऑप्शन के साथ यहाँ जा सकते हैं लेकिन जो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा ये इंस्पेक्ट करता है इंश्योर्ड व्हीकल फॉर द पॉसिबल रिस्क होता क्या है जैसे हमने किसी की गाड़ी ठोक दिया हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट होने के बाद हम क्लेम के लिए पैसा मांगते हैं तो तुरंत क्लेम नहीं मिलता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से एक सर्वेयर भेजा जाता है वो सर्वेयर आता है वो गाड़ी को देखता है कि गाड़ी अच्छा इस वजह से ठुकी होगी या इस वजह से एक्सीडेंट हुआ होगा तो पूरा उसका इंस्पेक्शन करता है सारी चीज़ें जो पॉसिबल रिस्क हैं उनका असेसमेंट करता है और फिर जो है उसकी रिपोर्ट बनाने के बाद जब हम क्लेम की रिपोर्ट भेजते हैं तो अंडर फाइनली वहाँ पर वो अप्रूवल करता है तो हालांकि कवरेज में इसका पॉसिबल नहीं होता इसका पूरा रोल तो नहीं होता लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अप्रॉक्सिमेटली ये करता है तो थोड़ा बहुत रोल ये रहता है लेकिन मेजर अगर हम यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखें तो संभावित जोखिमों के लिए बीमित वाहन का निरीक्षण करना तो बेसिकली वो इंस्पेक्शन की सारी एक्टिविटीज जो है यहाँ यहाँ पर करता है सो so, वो उसके लिए काम करता है ठीक है हाँ ये बिल्कुल ये जो सेशंस हैं पूरा ये यू आई और जो है आपका एन सभी के लिए ठीक है आपका असिस्टेंट और ये और दोनों के लिए अगला बताइएगा मोटर वाहन बीमा में एड ऑन कवरेज क्या है एड ऑन कवर क्या होता है मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के अंदर एड ऑन कवरेज क्या होता है सो एड ऑन कवर्ड इन द मोटर व्हीकल इंश्योरेंस आर द फर्स्ट वन ऑप्टिमल एडिशनल कवरेज फॉर द स्पेसिफिक रिस्क मिनिमम कवरेज फॉर रिक्वायर्ड बाय द लॉ मैक्सिमम कवरेज प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरर वन टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द कमर्शियल व्हीकल्स ये क्या है एड ऑन कवर ये एड ऑन कवर याद हो आपको मैंने एक टर्मोलॉजी पढ़ाई थी राइडर है ना जिसमें बर्गर पिज्ज़ा और नहीं सॉरी बर्गर फ्रेंच फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल दिया था कि आप अपनी मेन पॉलिसी के साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐड कर सकते हैं उसको राइडर कहते हैं जिससे आपकी पॉलिसी का कवरेज बढ़ जाता है उसी टर्म को यहाँ पर ऐड ऑन के नाम से भी जाना जाता है तो ऐड ऑन मतलब आप अपनी पॉलिसी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा कवरेज ऐड करके पॉलिसी के कवरेज बेनिफिट्स बढ़ा रहे हैं तो ऑप्शनल एडिशनल कवरेज फॉर द स्पेसिफिक रिस्क स्पेसिफिक रिस्क तो हम अपने विशिष्ट जोखिमों के लिए कुछ वैकल्पिक अतिरिक्त कवरेज हम ले सकते हैं अगर हम ऐड ऑन करते हैं तो ये आपका कवरेज जो है बढ़ जाता है जैसे फॉर एग्जांपल आप पिज्ज़ा खाने गए या कुछ खाने गए तो अगला पूछता है कि सर एक्स्ट्रा चीज़ चाहते हैं एक्स्ट्रा सॉस चाहते हैं एक्स्ट्रा कुछ और चाहते हैं तो वो आपसे पूछता है तो बेसिकली दे बेसिकली वांट टू नो एडस वो आपसे एडॉन्स पूछते हैं ठीक है चलिए तो आई थिंक ऑन हमें क्लियर है अगला बढ़ते हैं फडिलिटी इंश्योरेंस कवरेज क्या होता है वट इज़ द फिडिलिटी इंश्योरेंस कवरेज फिडिलिटी गारंटी पॉलिसी कवर्स द लॉसेज ड्यू टू द फ्रॉड बाई फिडिलिटी जो गारंटी पॉलिसी है वो इनमें से किस कारण से दी जाती है इसमें से किस कारण से ली जाती है तो वट इज़ द फिडिलिटी इंश्योरेंस कवरेज बताइए क्या होता है फिडिलिटी इंश्योरेंस कवरेज तो फिडिलिटी इंश्योरेंस कवरेज क्या होता है कि अगर मान लेते हैं जो कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो कोई बड़ा फर्जीवाड़ा कर देता है और कंपनी के एम्प्लॉय के फर्जीवाड़े की वजह से उसके फ्रॉड की वजह से अगर कंपनी को बड़ा नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी तो इसके लिए जो इंश्योरेंस लिया जाता है उसको हम फिडिलिटी इंश्योरेंस कहते हैं तो वट इज़ अ फेडिलिटी इंश्योरेंस ये बेसिकली कर्मचारी जो एम्प्लॉई है कंपनी का वो अगर एम्प्लॉय कंपनी में कोई बड़ा फ्रॉड कर देता कोई बड़ा घपला कर देता है तो उसकी वजह से कंपनी का जो नुकसान होता है उस नुकसान की जो भरपाई होती है वो किससे की जाती है वो बीमा कंपनी करती है ठीक है इसके अलावा मैंने आपको एक और इंश्योरेंस पढ़ाया था टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के अंदर अगर आपने नई सेशन देखा हो तो उसको जरूर देख लीजा पिछला जो मैराथन सेशन था जिसमें हम लोगों ने बात किया था जो ई पी एल आई के बारे में एम्प्लॉयज़ प्रैक्टिस लाइबिलिटी इंश्योरेंस के बारे में उसमें मैंने पढ़ा था अगर एम्प्लॉय कंपनी पर कोई केस कर देता है तो कंपनी केस में अगर हार जाती तो उसकी जो लाइबिलिटी बनेगी उसको बीमा कंपनी जो कवर करेगी उसको हम ई पी एल आई एम्प्लॉयज़ प्रैक्टिस लाइबिलिटी इंश्योरेंस कहते हैं वहां थोड़ी सी कंपनी दोषी थी लेकिन यहां पर क्या है यहां एम्प्लॉ कंपनी के अंदर उसने फर्जीवाड़ा कर दिया उसको कंपनी को बड़ा घाटा हो गया तो यहां पर एम्प्लॉय जो घाटा कर रहा है उसकी वजह से कंपनी को भरपाई करनी है मतलब कंपनी को जो मदद करेगा वो इंश्योरेंस कंपनी करेगा वहां एम्प्लॉयज प्रैक्टिसज लैबिलिटी इंश्योरेंस के अंदर क्या था कंपनी ने कुछ गड़बड़ किया हमें निकाल दिया या कुछ गड़बड़ कर दिया हरेसमेंट वगैरह का कोई केस है और हमने जाके केस कर दिया तो कंपनी की जो लाइबिलिटी बनेगी जो देनदारी बनेगी उसको जो कवर करता है वो था आपका फिडेलिटी इंश्योरेंस के अंदर ठीक है तो ये पॉइंट हमने डिस्कस किए थे अगला बताइएगा फैमिली फ्लोटर कवरेज कहां पर आता है वेयर वी गेट द फैमिली फ्लोटर कवरेज फैमिली फ्लोटर प्लान बेसिकली कहां आता है या फैमिली फ्लोटर कवरेज हमें कहां देखने को मिलता है याद रखिएगा फैमिली फ्लोटर जो हमें कवरेज देखने को मिलता है फ्रेंड्स ये हमें देखने को मिलता है किसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जिसमें पूरा परिवार मियाँ बीबी बच्चे पेरेंट्स वगैरह है ना तो उन सब का जो है कवरेज यहाँ पर हो सकता है तो हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रेन एंड देयर पेरेंट्स ऑल्सो कैन कवर्ड विद इन अ पर्टिकुलर वन इंश्योरेंस प्लान और इस इंश्योरेंस प्लान को हम फैमिली फ्लोटर प्लान कहते हैं तो पूरे परिवार का एक साथ कवरेज जनरली आपको हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर ही मिलता है बाकी कोई बीमा होता, होता है वो अकेले के लिए होता है लाइफ इंश्योरेंस होता है तो अकेले का ही होता है ऐसा नहीं पूरी फैमिली का एक साथ लाइफ इंश्योरेंस हो जाए पूरी फैमिली में सब एक साथ चले जाएँ तो पैसा मिलेगा नहीं और कहीं इस तरीके के फैमिली फोट फ्लोटर प्लान्स नहीं आते हैं फैमिली फ्लोटर प्लान्स जनरली आपको हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर देखने को मिलते हैं इसमें पूरे फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज होता है अगला पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए जवाब बताइए फटाफट फड़ बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए अगला क्वेश्चन है, बताइए बीमाकर्ताओं द्वारा एजेंटों के माध्यम से जीवन बीमा पॉलिसी बेचना एक महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द इंश्योर टू सेल द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थ्रू एजेंट्स बताइए क्या कारण होता है जिसके लिए जो बीमा कंपनियां हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो जो पॉलिसी है वो एजेंट की मदद से बेचती हैं भाई एजेंट से फायदा क्या होता है एजेंट हमें पॉलिसी को अच्छे से एक्सप्लेन करता है पॉलिसी अच्छे से समझा देता है क्योंकि हमें इतना पॉलिसी के बारे में पता नहीं भाई हम जिस फैक्टर जिस सेक्टर में जिस फील्ड में है उसके बारे में पता है बीमा के बारे में हमें नहीं पता तो वो सारी चीज़ें हमें अच्छे से एक्सप्लेन करता है हमें समझाता है हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है तो हमें सारी चीज़ें वो बताता है एंड दैट्स वही द एजेंट्स आर देयर तो एजेंट बेसिकली क्या करता है जीवन बीमा पॉलिसियों के लाभ के लिए सभी को सरल और स्पष्ट है सभी को बीमा पॉलिसी के बारे में पता है पीपल कैन डिसाइड विच पॉलिसी इज़ बेस्ट फॉर देम लोग खुद ही निर्धारित कर सकते हैं एजेंट अपना कमीशन कमाते हैं इसलिए एजेंट को रखा जाता है एजेंट हैव टू मीट देयर मार्केटिंग टारगेट एजेंट को अपना मार्केटिंग टारगेट पूरा करना है इसलिए वो रखा जाता है या फिर मैनी पीपल्स रिक्वायर्ड पर्सनलाइज गाइडेंस फॉर द सेलेक्टिंग द राइट पॉलिसी बहुत से लोगों को सही पॉलिसी चुनने के लिए एक व्यक्तिगत मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है एंड दैट पर्टिकुलर मार्गदर्शन इज बेसिकली गाइडेंस इज़ प्रोवाइडेड बाई द एजेंट्स तो वहाँ पर हमें एजेंट्स का हमें कवरेज जो है देखने को मिलता है

जब आप अपने लोन के समय को पहले ही डिस्क्लोज कर देते पहले ही बंद कर देते हैं तो उसको हम लोग फोर क्लोजर कहते हैं और फोर क्लोजर बेसिकली किसके अंदर देखने को मिलता है लोन के अंदर देखने को मिलता है जैसे मैंने पाँच साल के लिए लोन ले रखा था और अगर उस लोन को मैं पहले बंद कर दूँ तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा फोर क्लोजर कहलाएगा ठीक चलिए अगला देखते हैं मोटर वाहन अधिनियम के तहत संरचित सन, सूत्र के अनुसार चलिए इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एज़ पर द स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट विक्टिम्स ऑफ द फेटल इंजरीज आर पेड द कंपनसेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के अंदर कोई गंभीर अगर चोट चपेट लगती है कोई गंभीर घटना घटती है तो ऐसे केस में अगर गंभीर चोट लग रही है तो ऐसे में जो क्लेम देती है इंश्योरेंस कंपनी वो किस बेसिस पर देगी ऑन द वॉट ऑन वॉट बेसिस विल गेट द क्लेम तो ऑप्शन आर एज एंड सेक्स के बेसिस पर एज एंड नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स के बेसिस पर इनकम एंड साइज ऑफ द फैमिली के बेसिस पर एज एंड इनकम के बेसिस पर इनकम एंड द नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स ऑफ द फैमिली के ऊपर तो किस बेसिस पर हमें असल में क्लेम दिया जाता है तो क्लेम मिलता है फ्रेंड्स याद रखिएगा कि एज कितनी है और इनकम कितनी है और इंश्योरेंस अगर कभी हमें मिलता भी है कभी हमें इंश्योरेंस खरीदते भी हैं तो उसमें भी ये दो फैक्टर बड़ा काम का होता है कि हमारी एज कितनी है तो एज फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करता है दूसरा आप कमाते कितना आपकी इनकम कितनी आ रही ये दोनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके हेल्प से जिसकी मदद से हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में जो है कितना कवरेज हमें मिलेगा या अगर कोई इंसिडेंट कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उसमें हमें कितना कवरेज दिया जाएगा सो दैट विल बेसिकली गेट फ्रॉम दस वन वो चीज हमें यहाँ से पता चल जाती है अगला देखते हैं तीसरे पक्ष के प्रशासक की भूमिका के मुख्य रूप से कौन शामिल है द थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर रोल इज मेनली इन्वॉल्व विद इन दस वन तो बताइए क्या है इसको हम टीपीए कहते हैं और ये बहुत पॉपुलर बंदा होता है टीपीए टी पी ए टी पी ए में आपको बताता हूँ बेसिकली क्या होता है जब कभी भी हमें किसी इंश्योरेंस का क्लेम रहना लेना रहता है तो हमें उसकी मदद के लिए हमें टी पी ए टी पी ए जो है जिसको थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं वो हमें मदद करता है मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जैसे हॉस्पिटल hospital में हॉस्पिटलाइज हुए हैं किसी रीजन से कोई बीमारी हो गई और हमें इंश्योरेंस कवरेज लेना है तो अब इंश्योरेंस कंपनी को तो खोजने जाए ना जाएंगे नहीं ना बार बार फोर्मिलते रहेंगे तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनियाँ क्या करती जनरली हर हॉस्पिटल्स के अंदर उनके टाई अप नेटवर्कस के अंदर एक टी पी ए बैठा रहता है जिसको थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं ये बंदा क्या करता है ये आपकी जो सारी डिटेल्स है सारी इंफॉर्मेशंस है सारा जो भी उसको प्रोसेस वगैरह करना है वो सारी प्रोसेस सारी डिटेल्स बना के भेजता है किसको इंश्योरेंस कंपनी को और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है कि भाई क्लेम देना है कि नहीं देना तो इनडायरेक्टली हमें क्लेम लेने में जो हेल्प करता है वो टी पी ए करता है तो टी पी ए इज रिस्पॉन्सबल फॉर हेल्पिंग अस फॉर प्रोवाइडिंग फॉर गेटिंग क्लेम सो कैनवासिंग इंश्योरेंस बिजनेस फॉर the इंश्योरेंस issuing डॉक्यूमेंट्स ऑन the behalf ऑफ insurer, अरेंजिंग फॉर reinsurance, sending सेंडिंग notice, नोटिस चेकिंग एंड the insurance इंश्योरेंस क्लेम है ना तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे इशुंग द डॉकूमेंट्स ऑन द बिऑफ ऑफ इंश्योरेंस बीमा कंपनी के बिहा पर बीमाकर्ता की ओर से बीमा करता की ओर से इंश्योरेंस कंपनी की ओर से, से दस्तावेज जारी करता नहीं ये जनरली चेक करता है और पे करता है इंश्योरेंस क्लेम और हमें इंश्योरेंस भुगतान करने में हमें मदद करता है तो बीमा दावों की जांच करना और भुगतान करना तो असल में पेमेंट सेटलमेंट्स वगैरह कराने में हमें हेल्प करता है लेकिन याद रखिएगा डायरेक्ट खुद पैसा देता है ऐसा नहीं है ठीक है तो इसको भी ध्यान रखिएगा अगला देखते हैं नेक्स्ट वन निम्नलिखित में से किस प्रकार का बीमा अनिवार्य है विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस मैंडेटरी फटाफट जवाब बताइए आई एम एक्सपेक्टिंग करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू बताइए इनमें से कौन सा इंश्योरेंस मैंडेटरी अगर आपने सेशन ध्यान से देखा हो तो मैंने इसका कहीं नाम भी ले लिया था बताइए विच ऑफ़ द फॉलोइंग इंश्योरेंस इज मैंडेटरी कौन सा इंश्योरेंस बीमा ऐसा है जो भाई मैडेट्री अनिवार है बताइए मोटर ओन डैमेज मोटर थर्ड पार्टी लीगल लाइबिलिटी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस प्रोफेशनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस तो मैंने आपको बताया मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के अंदर कौन सा है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लीगल लाइबिलिटी के बिना आप गाड़ी चला ही नहीं सकते ठीक है तुरंत तो उस पर चलान है और अगर इंश्योरेंस चेक किया गया तो गाड़ी भी सीज हो जाएगी ठीक गाड़ी इंपाउंड हो जाएगी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन बीमा में प्रीमियम का मतलब क्या प्रीमियम हमने देखा था प्रीमियम तो अभी हमने पढ़ा था वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर है अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द इंश्योर टू द इश्योर ये भी हमने देखा था इंश्योरेंस पॉलिसी को लीगलाइज कौन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ चलिए फटाफट -फड़ देख लेते हैं पॉइंट्स हमने ऑलरेडी देख रखे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट ये इंश्योरेंस का प्रिंसिपल नहीं ये भी हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखें एट सेम क्वेश्चन आ रही है इन फ्री लुक इन पीरियड हमने देखा था कितने दिनों का होता है तो फ्री लुक इन पीरियड आपको पंद्रह दिनों का फिफ्टीन डेज़ का आपको देखने को मिलता है एल भारत में पहली बार कब एक्ट आया था जिसे इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइज uh, और जो है इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए लाया था लाइफ इंश्योरेंस के लिए तो नाइनटीन का एक्ट ये भी हमने देखा था आई थिंक ये क्वेश्चन अभी हमने जस्ट देखा था तो आपको ध्यान होगा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एक ऐसा इंश्योरेंस कंपनी जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है ठीक है आई थिंक मल्टीपल हाँ ऑफ द क्वेश्चन था चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं The New India Insurance Corporation Limited was a subsidiary of which of the following company? The New India Insurance Company is a subsidiary company of which of the following company? ये किसकी subsidiary company है? The New India Insurance Corporation Limited. अभी मैं आपको दिखाऊंगा GIC कैसे बना उसकी subsidiary company कैसे बनी GICI कैसे बना उसके बारे में बात करेंगे। तो किसकी subsidiary company है ये GIC है ना General Insurance Corporation? GIC की क्या है subsidiary company के तौर पर आपको देखने को मिलेगा ठीक है? तो ये GIC के अंदर आपको देखने को मिलेगा ठीक आगे बढ़ते हैं विच प्रिंसिपल अलाउज द इंश्योर टू रिकवर द लॉसेज फ्रॉम द थर्ड पार्टी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस इनमें से कौन सा इंश्योरेंस हमें रिकवरी के लिए थर्ड पार्टी से हम जो है पैसा कवर कर सकें उसके लिए हमें पावर जो है देता है ठीक है तो ऑप्शन है योगदान कॉन्ट्रीब्यूशन सब्रोगेशन इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रॉक्सीमेट कॉस्ट ठीक है तो इसमें कौन सा बीमा है जो हमें ये अधिकार देता है कि इंश्योरेंस कंपनी को राइट देता है कि दूसरे से भी पैसा रिकवर करने के लिए काम कर सकें तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन सब्रोगेशन इंश्योरेबल इंटरेस्ट एंड एंड्रॉक्सिमेट कॉस्ट है ना तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन अगर आपको याद हो तो ओनरशिप ट्रांसफर करने वाला राइट right देता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन ओनरशिप को ट्रांसफर करने का राइट right देता है जिसमें जो है अगले कंपनी के पास ही अधिकार होता है ओनरशिप उसके पास चली जाती है और वह पैसा रिकवर करने के लिए पूरी तरीके से काम कर सकता है तो ओनरशिप का राइट right ट्रांसफर हो जाता है ठीक चलिए अगला देखिएगा विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेट्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेट्स द इंश्योरेंस मस्ट हैव अ फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट सब्जेक्ट्स मैटर टू द इंश्योरेंस पॉलिसी इनमें से कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि वेनवर यू टेक एनी पर्टिकुलर पॉलिसी सो यू मस्ट हैव इंटरेस्ट विद इन दैट पर्टिकुलर एसेट और विद इन दैट पर्टिकुलर थिंग इनमें से कौन सी ऐसा पॉलिसी है uh, कौन सा ऐसा बेसिकली प्रिंसिपल है जो ये दिखाता है कि अगर आप किसी चीज़ का बीमा ले रहे हैं तो उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए आपका हित होना चाहिए तो यहाँ पर सीधी सी बात ध्यान रखिएगा तो ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिमिटी प्रॉक्सीमेट कॉस्ट तो ध्यान रखिएगा क्या आता है ये प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है हम उन्हीं चीज़ों का बीमा ले सकते हैं जो हमसे डायरेक्टली इंडायरेक्टली जुड़ी हुई हैं उनका नहीं ले सकते जो हमसे नहीं जुड़ी हुई हैं तो अपनी का, कार का बीमा ले सकते हैं अपने घर का बीमा ले सकते हैं पड़ोसी की कार पड़ोसी के घर का बीमा नहीं बिल्कुल ठीक है तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट ये प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे अगला है विच ऑफ द टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स कवरेज फॉर द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड ट्रीटमेंट बहुत ही आसान सा क्वेश्चन फटाफट फ़ड़ बता दीजिए। देखिए आ रहा समझ में आ रहा समझ में तो सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिए ठीक है सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिए तो एन आई ए सल ए ओ के पहले भी मैं सोचूंगा <laughs> मैं ट्राई करूँगा एक और मैराथन सेशन आपके लिए अवेलेबल हो चलिए विथ टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स द कवरेज फॉर द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड द ट्रीटमेंट दया मेडिकल एक्सपेंसेस एंड कवरेज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बीमा जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है तो स्वास्थ्य बीमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विथ टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स कवरेज फॉर द फाइनेंशियल लॉसेज रिजल्टिंग फ्रॉम द लीगल एक्शन अगर हमारे खिलाफ कोई लीगल एक्शन वगैरह होता है तो उसमें लीगल एक्शन में कवरेज हमें इनमें से कौन सा प्रोवाइड करता कौन प्रोवाइड करता है बताइए लीगल एक्शन के लिए कवरेज यहाँ पर कौन प्रोवाइड करता है विच ऑफ विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी कवरेज फॉर द फाइनेंशियल लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द लीगल एक्शन कोई हमें कोई लीगल एक्शन होता है तो उसमें हमें बचाने के लिए काम करता है ठीक है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कौन सा इंश्योरेंस होता है ये लाइबिलिटी इंश्योरेंस लाइबिलिटी इंश्योरेंस क्या करता है हमारी जो लाइबिलिटीज़ वगैरह बनती है उनको कवरेज करने के लिए काम करता है हमारी अगर कोई देनदारी बनती है हमारी अगर कोई लाइबिलिटी बनती है तो उसको ये कवरेज करता है ठीक चलिए अगला देखते हैं Which of the following insurance policy insurance provides coverage for the loss income due to disability of the death इनमें से कौन सा बीमा डिसेबिलिटी और डेथ की वजह से जो कवरेज प्रोवाइड करता है विकलांगता हो गई या डेथ हो गई उसकी वजह से which of the type of insurance policy provides coverage for the loss of income due to disability or death लॉस ऑफ इनकम हो गई या तो विकलांगता की वजह से या फिर डेथ की वजह से तो लायबिलिटी इंश्योरेंस है हेल्थ इंश्योरेंस है डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है और लाइफ इंश्योरेंस है तो यहाँ सीधी सी बात है नाम से ही पता चल रहा है कौन सा इंश्योरेंस होगा ठीक है कौन सा इंश्योरेंस होगा बताइए हाँ गड़बड़ कर रहे हो ये डिसेबिलिटी इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस बेसिकली एक्सीडेंटल कवरेज के अंदर आता डी नहीं होगा जीवन बीमा नहीं जीवन बीमा तो जीवन की ज्योति बुझने पर ही पैसा है तो यहाँ विकलांगता में कोई पैसा नहीं भाई लाइफ इंश्योरेंस कवरेज इज नॉट प्रोवाइडिंग द कवरेज फॉर द डिसेबिलिटी पर्पजेज अगर जिंदा है जीवन की ज्योति जल रही है तो जीवन बीमा फिर कहाँ हुआ जीवन बीमा के लिए जीवन की ज्योति बुझनी जरूरी है तो लो, दो ही तरह का बीमा होता है लाइफ इंश्योरेंस होता है जनरल इंश्योरेंस होता है अभी मैं आपको दिखाऊंगा डिफरेंस लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जीवन की ज्योति बुझेगी तभी पैसा मिलना नहीं तो अदरवाइज कोई कवरेज डायरेक्टली नहीं होता है ठीक है डिसेबिलिटी कवरेज बाकी जगह हमें मिल सकते हैं अगला बताइएगा नेक्स्ट वन विच ऑफ़ द फॉइंग इंश्योरेंस पॉलिसी कवरेज फॉर द लॉसेज ड्यू टू रिजल्टिंग फ्राम द नेचुरल डेथ है ना यहाँ पर नेचुर नेचुरल डिज़ास्टर नॉट नेचुरल डेथ नेचुरल डिज़ास्टर सच एज फ्लड एंड अर्थ क्वेक्स इसमें कुछ से कौन सा बीमा है जो फ्लड या अर्थ क्वेक्स वगैरह ऐसी अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके लिए हमें कवरेज प्रोवाइड करता है ठीक है हाँ जो डिसेबिलिटी कवरेज होता है ना उसके अंदर डिसेबिलिटी की वजह से अगर एक्सीडेंट में डिसेबिलिटी हो उसकी वजह से डेथ भी होगी तो वहाँ कवरेज होता है याद करिए मैंने आपको पढ़ाया था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज अ काइंड ऑफ एक्सीडेंटल कवरेज डिसेबिलिटी कवरेज है जिसमें विकलांगता हुई तो तो पैसा मिलेगा लेकिन अगर एक्सीडेंट के केस में डेथ होगी तब भी पैसा कवरेज का मिल जाएगा ठीक है तो बताइएगा कि कौन सा है कटास्ट्रॉफिक इंश्योरेंस कटास्ट्रॉफिक इंश्योरेंस क्या होता है जो नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से जो हमें कवरेज देता है उसको हम उसकोडास्रॉफिक जो है इंश्योरेंस कवरेज कहते हैं हाँ बिल्कुल पी आज मिल जाएगी बिल्कुल 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 हाँ बिल्कुल पी मिलेगी है ना इसका कंपाइलेशन मैंने आप लोगों से प्रॉमिस भी किया था गेट दैट बीमा में लाभार्थी क्या है बेनिफिशरी कौन होता है हु इज़ द बेनिफिशियरी बेनिफिशियरी कौन होता है लाभार्थी कौन होता है हु इज़ बेसिकली बेनिफिशियरी विद इन द इंश्योरेंस इंश्योरेंस के अंदर बेनिफिशरी कौन होता द पर्सन हु परचेजेज द इंश्योरेंस पॉलिसी द पर्सन हु रिसीव द पेमेंट फ्रॉम एन इंश्योरेंस पॉलिसी द पर्सन हु अंडर राइट्स एंड इंश्योरेंस पॉलिसी न ना तब तो बेनिफिशरी कौन होता है लाभार्थी कौन होता है निपट जाने के बाद भाई जिसको पैसा मिलता है ठीक है वही जो है ज़्यादा है तो वो बंदा जो बेसिकली ल, आ, पेमेंट ऑफ फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी का जो पैसा पाता है उसको लाभार्थी इसको हम टेक्निकल टर्म में नॉमिनी कह देते हैं बट वैसे इसको हम लाभार्थी के तौर पर कह देते हैं तो वह व्यक्ति जो बीमा पॉलिसी से भुगतान प्राप्त करता है जिसको असल में पैसा मिलता है तो जिसको पैसा मिलता है उसको हम इस कैटेगरी में क्या करेंगे कंसिडर करेंगे ओके okay? चलिए तो ये पॉइंट हमें क्लियर है आगे देखते हैं बीमा में राशि का शब्द क्या मतलब वट इज द मीनिंग ऑफ द सम समोल्ड इंश्योरेंस के अंदर ये बड़ा पॉपुलर टर्म होता है सम एशोर्ड तो सम ये बेसिकली क्या होता है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन योर कमेंट्स आर स्क्रोलिंग टू फास्ट सो मैं सभी के कमेंट्स नहीं देख सकता लेकिन बैंकिंग एंडायरमेंट प्लान लाइफ इंश्योरेंस प्लान में आता है तो उसमें अरे बात करेंगे अभी एंडायरमेंट प्लान क्या होता है यूलिप प्लान क्या होता है मनी बैक प्लान क्या होता है होल टाइम इंश्योरेंस प्लान क्या होता है एन्यूटी प्लान क्या होता है सब अभी देखेंगे टाइप्स भी पढ़ेंगे पहले एम कर लेते फिर उस पर बात कंसर्ट्स पर भी, भी बात करेंगे हाँ एक ही मैसेज को बार बार रिपीट uh, मत करिए ठीक है डोंट डू ए स्पैपिंग चलिए तो बीमा में बीमा राशि क्या होता है सम क्या होता है भाई सीधी सी बात है जो कंपनी हमसे प्रॉमिस करती है सर देखो इतना पैसा कवरेज के तौर पर गारंटीड आपको मिलेगा वही हमारा सम समेसोर्ड अमाउंट है सो so द बीमा करता द्वारा बीमा धारक को भुगतान की गई राशि बीमा करता द्वारा बीमाकर्ता को भुगतान की गई राशि है ना द अमाउंट ऑफ दावे के मामले में बीमा धारक को भुगतान की जाने वाली गारंटी राशि द अमाउंट ऑफ मनी गारंटीड टू बी पेड टू द इंश्योरर इन केस ऑफ क्लेम हम क्लेम करेंगे तो भाई कितना पैसा हमें गारंटी तौर पर मिलेगा वो होता है समेश अमाउंट कोई भी बीमा कंपनी जब आपको बीमा देती है तो उसमें सम अश्योर्ड अमाउंट जरूर बताती है सट वाट इज़ द एक्चुअल कवरेज कवरेज कितना है वो कवरेज हमें जरूर पता चलता है सो वी गेट दैट कवरेज कि कितना कवरेज जो है हमें मिलेगा वो चीज़ें हमें बिल्कुल यहां पर पता चलती है और हमें पता रहती हैं अगला देखते हैं यूरोपियन समुदाय की विधवाओं की मदद के लिए भारत में स्थित भारत में स्थापित की जाने वाली पहली कंपनी जो बीमा कवरेज वगैरह प्रोवाइड करने के लिए जिसने काम किया तो यूरोपियंस का यहाँ पर जो सेटअप जो देखा गया तो उसके लिए कवरेज के लिए प्रोवाइड करने के लिए इसमें कौन सी पहली कंपनी हमें देखने को मिली तो आंसर ध्यान रखिएगा बजाज इंश्योरेंस कंपनी बजाज इंश्योरेंस ठीक चलिए अगला बताइएगा किस समिति ने निजी खिलाड़ियों के लिए बीमा क्षेत्र के रास्ते फिर से खोलने का सुझाव दिया किस कमेटी ने रिकमेंड किया कि यार इंश्योरेंस का जो सेक्टर है इंश्योरेंस का जो बिजनेस है वो बाहर के प्राइवेट प्लेयर्स के लिए हमारे देश में खोल देना चाहिए सो so दैट फॉरेन प्लेयर्स भी इंडिया के इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर सके और साथ ही साथ प्राइवेट प्लेयर्स को भी लाइसेंसिंग मिल सके तो कौन सी ये व्यक्ति थे जिन्होंने इसके लिए काम किया तो नाम ध्यान रखिएगा नाम ध्यान रखिएगा मिस्टर आर एन मल्होत्रा समिति तो मल्लोत्रा कमेटी जो है 1993 के अराउंड मल्होत्रा कमेटी अपॉइंट की गई थी इन्हीं मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पर आई जो रेगुलेटर है आज की डेट में इंश्योरेंस सेक्टर का उसको भी बनाया गया और इन्हीं के रेगुले इन्हीं के रिकमेंडेशंस पर प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री इंडिया के अंदर इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर शुरू की गई तो मल्होत्रा कमेटी याद रखिएगा अगला पढ़ते हैं नेक्स्ट वन एक बीमा कंपनी द्वारा आर द इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स अपॉइंटेड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी टू द लॉस और डैमेज वेन अ क्लेम इज नोटिफाइड अंडर अ पॉलिसी इंश्योर्ड बाई देम एक बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त स्वतंत्र पेशेवर होते हैं इंडिपेंडेंट पेशेवर होते हैं जो नुकसान या क्षति का आंकलन करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं जब उनके द्वारा की गई पॉलिसी के तहत दावा अधिसूचित किया जाता है तो इनको हम सर्वेयर कहते हैं लॉस असेसर कहते हैं एजेंट कहते हैं या दोनों कहते हैं तो याद रखिएगा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था इंश्योरेंस कंपनी के अंदर होते हैं सर्वेयर्स इन सर्वेयर्स को भेजा इसीलिए जाता है कि बेटा जाओ चेक करके आओ वाकई में एक्सीडेंट हुआ था कि गाड़ी किसी ने ज़बरदस्ती ठोक दी है गाड़ी किसी ने ज़बरदस्ती गिरा दी है सो जस्ट गो एंड असेस दैट एंड लेट मी नो दैट टेलस डैट की कितना क्लेम हमें पैसा बनना पड़ेगा तो क्लेम के बारे में सब कुछ बताने के लिए हमें किसकी मदद की ज़रूरत पड़ती है हमें चाहिए होता सर्वेयर सो वी नीड वॉट सर्वेयर है ना लॉस एसेसर्स नहीं होते लॉस एसर्स कोई थर्ड पार्टी नहीं होती कंपनी के इंटरनल बंद होते बट सर्वेयर जनरली थर्ड पार्टी के साथ टाइप करके उनको बुलाया जाता है हाँ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिए अच्छे से इसके बारे में अभी मैं बात भी करूँगा विल डिस्कस दैट टम चलिए लेट्स टॉक अबाउट दिस वन बीमाकर्ता द्वारा शिकायत की अस्वीकृति आशुक, पर शिकायतकर्ता ने के लिए बीमा लोकपाल में संपर्क करने के लिए निर्धारित समय क्या व्हाट इज़ द मिनिमम टाइम हां यहां पर थोड़ा सा देखिएगा मिनिमम मैक्सिमम में कंफ्यूज मत होइएगा देखिए यहां पर पूछा गया मिनिमम टाइम ठीक है थोड़ा सा समझ लीजिए क्या होता है अगर अपने को कोई भी कंप्लेन करनी है इंश्योरेंस ऑम्बोर्ट्समैन में तो सबसे पहले हम बीमा कंपनी में कंप्लेन करते हैं बीमा कंपनी में कंप्लेन करने के बाद थर्टी डेज तक हमें इंतजार करना पड़ता है सो थर्टी डेज विल वेट थर्टी डेज हमारा वेटिंग पीरियड होता है अमूमन और इस तीस दिन के टाइम के खत्म होने के बाद हम मैक्सिमम एक साल तक कंप्लेन कर सकते हैं अगले दिन से लेकर एक साल तक हम इंश्योरेंस अम्बोर्समेंट में कंप्लेन कर सकते हैं क्या होता है अभी एक टॉपिक है अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा टेंशन मत लीजिए तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया ये मैक्सिमम टाइम है जिसमें हम कंप्लेन कर सकते हैं अब यहाँ पर क्वेश्चन चूंकि पूछा गया मिनिमम टाइम तो होगा यहाँ पर जो है पर्टिकुलर वन मंथ है ना तो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन पूछा है इट विल बी वन मंथ शायद इससे पहले मैंने आपका कहीं कवरेज किया था तो वहाँ मैंने शायद मैक्सिमम समझ के वहाँ पर शायद एक साल बता दिया तो, तो एक साल का मैक्सिमम टाइम एक साल के बाद तो भाई कंप्लेन होती ही नहीं तो एक साल तो मैक्सिमम टाइम स्पैन है मिनिमम टाइम ड्यूरेशन पूछा है गया तो वन मंथ क्योंकि थर्टी डेज़ का वेटिंग टाइम स्पैन होता है इसलिए वन मंथ का टाइम ड्यूरेशन किया जाता है कि कम से कम मिनिमम इतना तो टाइम जनरली अमूमन आपको देखने को मिलेगा तो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन ध्यान रखिएगा कितना है एक साल तक का एक साल के बाद आप इंश्योरेंस ऑम्बोर्ट्समेंट में कंप्लेन करने जा ही नहीं सकते ठीक तो इंश्योरेंस ऑम्बोर्समेंट क्या होता है विल्डर्स का द डिटेल ठीक तो मिनिमम ध्यान रखिएगा इसको विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इनमें से कौन सा इंश्योरेंस का प्रिंसिपल नहीं है बताइए फटाफट फ़ड़। देखिए फटाफट बताइए इनमें से कौन सा भाई इंश्योरेंस का प्रिंसिपल नहीं है तो गुड फेथ है प्रॉफिटी है सब्रोगेशन है है ना प्रॉफिटिलिटी यार ये कोई इंश्योरेंस का प्रिंसिपल प्रिंसिपल नहीं है अगला देखते हैं नेक्स्ट वन इंश्योर्स दैट द इज मोर देन देयर एक्चुअल लॉस इंश्योरेंस शुड नॉट बी कम्पनसेटेड मोर देन द एक्चुअल लॉस कौन सा सिद्धांत ऐसा कहता है बीमा का इंश्योरेंस के सेवन प्रिंसिपल हमने पढ़े थे इंश्योरेंस का कौन सा प्रिंसिपल ऐसा कहता है कि आपका जो टोटल कंपनसेशन आपको मिलेगा दैट मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन योर एक्चुअल लॉस आपका जो एक्चुअल में नुकसान हुआ है उससे ज़्यादा आपका कभी भी कम्पनसेशन अमाउंट नहीं हो सकता है तो कौन सा प्रिंसिपल कहता है है ना उबेरमा फिदाई है ना उबेरवा फिदाई की अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब होता है प्रिंसपल ऑफ अट मोस्ट गुड फेथ है ना उसी का ये वर्डिंग जो है दूसरी तो लैंग्वेज लैटिन लैंग्वेज में आपको देखने मिल जाएगा सब्रोगेशन इंडेमिटी है ना तो हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिटी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिटी क्या कहता है कि बीमा इस इंश्योरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकवरिंग अवर लॉसेज हमारे जो है नुकसान हुए हैं उनका कवरेज देने के लिए बीमा होता है ना कि बीमा होता है प्रोफिटबिलिटी के लिए तो इंश्योरेंस इज नॉट फॉर द प्रोफिटबिलिटी पर्पज इट इज़ ओनली टू प्रोवाइड अवर कंपनसेशन हमें उसी कंडीशन में वापस ले आने के लिए होता है जो हमारी कंडीशन पहले थी लॉस होने से विच प्रिंसिपल अलाउस द इंश्योर टू रिकवर दियर लॉसेज फ्राम द थर्ड पार्टी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ये भी हमने करा भी था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताइएगा हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन के अंदर क्या होगा ओनरशिप जो है वहां पर ट्रांसफर हो जाती है और उसके पास रिकवरी का पूरा का पूरा राइट आपको देखने को मिलता है ठीक है तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल स्टेट एट द इंश्योरेंस मस्ट है फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट टू सब्जेक्ट द मैटर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो ये भी हमने पढ़ा था अभी देखिए लैंग्वेज बस थोड़ी सी चेंज है बट द थिंग इज ओके इसका फटाफट आंसर वाड़ बताइए क्या है कौन सा सिद्धांत बताता कि बीमा धारा का बीमा पॉलिसी के विषय में वित्तीय होना चाहिए तो प्रिंसिपल ऑफ हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ ठीक है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत चलिए अगला पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग वन बताइए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन अपने पास निम्नलिखित में से कौन सा विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ एंडाउनमेंट प्लान्स है ना ये थोड़े से ए में इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिल सकते हैं एंडाउनमेंट प्लान क्या होता है अभी मैं आपको टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में आपको थोड़ा सा करा दूंगा रिवाइज करा दूंगा बट आप क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए एंडाउनमेंट प्लान क्या होता है देखिए फ्रेंड्स एंडाउनमेंट प्लान में क्या होता है हमारी जो पॉलिसी है उसमें जो कवरेज है वो तो मिलेगा ही लेकिन अगर हम पूरे पॉलिसी के टर्म तक सर्वाइव कर जाते हैं तो हमें उसके बाद एक साथ पैसा कंपनी देती है तो ये इन्वेस्टमेंट की तरह काम करता है और इंश्योरेंस की भी तरह काम करता है तो ये फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज़ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एनरोलमेंट प्लान में ये बात बिल्कुल नहीं गलत है ऐसा तो नहीं होता है हाई रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट बहुत हमें हाई रिटर्न मिलेगा ऐसी भी कोई भाई गारंटी नहीं है है ना लेकिन ऐसी कोई हमें वो नहीं है लेकिन गारंटी है मेच्योरिटी बेनिफिट्स बिल्कुल सर 20 साल तक बचे रह गए तो बिल्कुल सर देखो 30 लाख रुपए मिल जाएंगे तो कंपनी गारंटी तौर पर ही बताती है कि सर देखो एन्वायरमेंट प्लान है अगर बीच में कुछ हो गया तब तो इतना पैसा मिलेगा अगर कुछ नहीं हुआ पूरे पॉलिसी टर्म को हमने सर्वाइव कर दिया तो एक अच्छा खासा मोटा पैसा हमें मिलने वाला है तो ये किस में अंदर होता है एन्वायरमेंट प्लान इसको बंदोबस्ती योजना कहते हैं इन्वायरमेंट प्लान याद रखिए प्रीमियम सस्ता नहीं होता भाई प्रीमियम महंगा होता इसका। so, premium, है इसका सो so, प्रीमियम इज कॉस्टली कॉस्टली और प्रीमियम है ना तो प्रीमियम यहाँ हमें ज्यादा देना पड़ता है अगला बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा यूलिप योजनाओं का लाभ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गारंटीड बेनिफिट ऑफ यूलिप प्लान यूलिप प्लान आपको पता है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान होता है बताइए यूलिप प्लान हमें देखने को मिलता है बताइए क्या होगा इसको हम लोग यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान कहते हैं गारंटीड मेच्योरिटी बेनिफिट है हाई रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट है लो प्रीमियम पेमेंट्स है फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज द इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तो इसमें जो सबसे मेन फीचर जो हमें देखने को मिलता है ये है फ्रेंड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज इन्वेस्टमेंट ऑप्शन यूनिट टिक इंश्योरेंस प्लान अपना पैसा यहाँ पर सिक्योरिटी में भी लगता है इक्विटी मार्केट में भी लगता है बॉन्ड में भी लगता है सिक्योरिटीज में भी लग सकता कई जगह लगता है तो यहाँ पर हमारे पास इन्वेस्टमेंट के चूज़ करने के ऑप्शन है रिटर्न हमेशा हाई होगा तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है तो नो डाउट रिटर्न हाई मिलता है बट ये गारंटीड कुछ नहीं है तो हम इसमें कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे हम कहेंगे कि सर हाँ हमारे पास यूनिप की स्पेशलिटी है इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस प्लान ये दोनों हमें बेनिफिट एक जगह मिलते हैं अगला बताइएगा किस प्रकार के बीमा योजना विभिन्न निवेश कोषों के बीच में स्विच करने का विकल्प प्रदान करता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान ऑप्शन स्विच बिटवीन डिफरेंट इंश्योरेंस फंड आपके पास तो अलग अलग इंश्योरेंस फंड में आपको स्विच करने का ऑप्शन देता है ध्यान से सुना होगा तो अभी बता दोगे आप आंसर क्या है करेक्ट बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर अभी हमने पढ़ा कौन सा प्लान भाई यूलिप प्लान एंडाउनमेंट में तो एक साथ पैसा मिलता है यूलिप में ऑप्शन रहता है फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द इन्वेस्टमेंट एंडाउनमेंट में नहीं एंडाउनमेंट में तो गारंटी पैसा बता दिया सर देखो बीस साल पूरा कर लिए तो इतना पैसा आपको मिलेगा तो वहां तो गारंटीड है बट यहां ऑप्शन है स्विच करने का ठीक है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अगला क्या होगा मनी बैक और टर्म इंश्योरेंस प्लान में मुख्य अंतर क्या है वट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी बैक एंड टर्म इंश्योरेंस प्लान मनी बैक और टर्म इंश्योरेंस प्लान में डिफरेंस क्या है सोचिए बताइए अच्छा क्वेश्चन है रीड दिस वन देखिए मनी बैक में क्या होता है फ्रेंड्स मनी बैक में पैसा हमें बीच बीच में बैक होता रहता है कंपनी डिसाइड करती है हमारे साथ देखिए सर हर तीसरे साल या हर पाँचवें साल सर हम कुछ कुछ पैसा आपको बीच बीच में देते रहेंगे तो मनी बैक में क्या होता है इन्वेस्टमेंट भी होता है और इंश्योरेंस भी मिलता है ठीक दोनों फीचर्स होते हैं एंडाउनमेंट वाले में क्या था पैसा एक साथ मिलेगा सबसे बाद में मनी बैक में बीच बीच में पैसा बैक होता रहेगा इसीलिए नाम इसका मनी बैक टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है निपट जाएंगे तभी पैसा मिलेगा नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला ये प्योर लाइफ इंश्योरेंस है टर्म इंश्योरेंस मतलब निपटे तभी पैसा मिलना है घर वालों को नहीं तो कुछ नहीं मिलना बच गए तो कुछ नहीं मिलना देखते हैं इसको क्या डिफरेंस मनी बैक प्लान ऑफर्स ओनली लाइफ इंश्योरेंस ये कह रहे मनी बैक केवल लाइफ इंश्योरेंस कवरेज ही प्रोवाइड करता है गलत ओनली वर्ड लगा दी और लाइफ इंश्योरेंस गलत इसमें तो इन्वेस्टमेंट भी और पैसा भी मिलता है और इंश्योरेंस कवरेज यही बात खत्म हो गई आगे नहीं पढ़ना चाहिए लेकिन पढ़ के देखते हैं पूरा वाइल द टर्म इंश्योरेंस प्लान ऑफर बोथ लाइफ एंड इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मैंने आपको बताया जो टर्म इंश्योरेंस होता है वो केवल लाइफ कवरेज देता है वो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं देता सेविंग का ऑप्शन नहीं देता तो पहला ऑप्शन गलत तो मनी बैक योजना केवल जीवन बीमा कवरेज देती है गलत है वो दोनों का ऑप्शन देती है अगला देखते हैं टर्म इंश्योरेंस प्लान ऑफर ओनली लाइफ इंश्योरेंस बिल्कुल सही बात टर्म इंश्योरेंस प्लान केवल लाइफ इंश्योरेंस देता है निपटेंगे तभी पैसा मिलेगा एंड मनी जो बैक प्लान है ऑफर्स बोथ ये दोनों ऑप्शन देता है लाइफ इंश्योरेंस का भी और इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन तो ये हमारा ऑप्शन सही है टर्म इंश्योरेंस प्लान केवल जीवन बीमा कवरेज प्रदान करता है जबकि मनी बैक दोनों जीवन बीमा और इन्वेस्टमेंट दोनों ऑप्शन देता है ठीक अगला पढ़ के देखते हैं बोथ मनी बैक एंड टर्म इंश्योरेंस प्लान ऑफर ओनली लाइफ इंश्योरेंस दोनों लाइफ ओनली लाइफ इंश्योरेंस देते गलत दोनों जो है केवल और केवल इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दोनों तरह का देते हैं गलत तो दोनों इन्वेस्टमेंट और उसका ऑप्शन नहीं देते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं सभी को लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाँ सर समझ में आ रहा है yes, we are getting this one. ठीक है तो ये पॉइंट्स क्लियर है अगला देखते हैं ठीक है अगला नेक्स्ट वन अब हम लोग क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ टर्मोलॉजीज जो है इम्पॉर्टेंटेंटेंटेंटेंट रिवाइज करा देता हूँ है ना जो इंपॉर्टेंट जो है एक तो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस मैं फटाफट आपको बता देता हूँ टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस हम फटाफट देख लेते हैं और टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के साथ साथ हम थोड़ा सा इंश्योरेंस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेंगे और इश्योरेंस ऑम्बर्ट्समेंट जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंश्योरेंस ऑम्बर्समेंट हम कर लेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस टर्म्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं वो पिछले मैराथन सेशन में ऑलरेडी हो चुका है तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा ठीक है तो चलिए अब हम क्या करने जा रहे हैं अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है एक बार ओवरव्यू फटाफट ले लेते हैं हम लोग नोट्स बने हुए नोट्स आप आराम से रिवाइज भी कर सकते हैं तो देखिए फ्रेंड्स बीमा हमारे पास केवल दो तरह का होता है एक होता है लाइफ इंश्योरेंस एक होता है जनरल इंश्योरेंस बस बीमा दो ही तरह का होता है और कोई तीसरा तरह का बीमा नहीं होता लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है जीवन की ज्योति बुझेगी पूरी तरीके से तभी पैसा मिलेगा तो योग्य लाइफ रिस्क कवरेज बाकी उसके बाद दुनिया भर का कवरेज है बाकी इसको लाइफ को छोड़कर जितने भी कवरेज हैं सब जनरल इंश्योरेंस चाहे वो आपका होम इंश्योरेंस हो ट्रेवल इंश्योरेंस हो मोटर इंश्योरेंस हो हेल्थ इंश्योरेंस हो फायर इंश्योरेंस हो मरीन इंश्योरेंस हो फसल बीमा योजना क्रॉप इंश्योरेंस कुछ भी इसके अलावा जो कुछ भी आपके घर का बीमा होता है घर के सामान का भी बीमा होता है मोबाइल का भी बीमा होता है लैपटॉप का भी कुछ भी बाकी कराओगे सब जनरल इंश्योरेंस तो जीवन का कवरेज लाइफ इंश्योरेंस बाकी सब कुछ जनरल इंश्योरेंस इवन हेल्थ इंश्योरेंस भी आता है जनरल के अंदर लाइफ में नहीं आता ध्यान रखिएगा चलिए अब देखते हैं यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की देखिए फ्रेंड्स हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के अंदर क्या होता है अगर हमें कोई बीमारी होती है तो जनरली हमारे इलाज का खर्चा कंपनी उठाती है और इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत अनिवार्य होता है और हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर दो तरह के प्लान होते हैं एक मनी बैक होता है और एक जिसको हम लोग कैशलेस पॉलिसी कहते हैं वो होता है मनी बैक वाले को हम लोग रिम्बर्समेंट प्लान भी कहते हैं कि बीमार हो गए इलाज कराना है हॉस्पिटलाइज हुए सारा बिल अपनी जेब से भरा और उसके बाद जो है घर आ गए तो बाद में कंपनी को बिल बना भेजते हैं कंपनी पैसा देती है तो इसको हम कहते हैं रिम्बर्समेंट या फिर कैश हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर दूसरी होती कैशलेस कोई भी पैसा नहीं देना गया आराम से बढ़िया ए रूम देख के हॉस्पिटलाइज हो गए बढ़िया इलाज चल रहा है टीपीए से पूरा सेटलमेंट करा दिया अपना इंश्योरेंस का कोई पैसा आपको नहीं देना आप चुपचाप घर चले आए शुरुआत में दो चार पाँच हज़ार रुपये जो जमा करना पड़ता वो बाकी सब ओके तो ये होता है क्या हमारा कैशलेस है ना तो रिम्बर्समेंट और कैशलेस हमें मैंने आपको बता दिया कि रिम्बर्समेंट क्या होता है कैशलेस क्या होता है अगर आप पढ़ना चाहें तो इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ पर नोट्स के अंदर मैंने ऐड कर दिया तो आप इसको आराम से देख लीजिएगा ठीक है चलिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइप ऑफ हम हेल्थ इंश्योरेंस की एक बार फटाफट बात कर लेते हैं टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस में अगर हम देखें एक तो होता है इंडिविजुअल कवरेज कि मैंने अपना केवल खुद का बीमा लिया तो इसको हम लोग इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं मेरा खुद का बीमा है तो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज दूसरा होता है फैमिली फ्लोटर प्लान जब पूरे परिवार का बीमा होता है मियाँ बीबी बच्चे पेरेंट्स का बीमा करा लिया तो इसको हम फैमिली फ्लोटर प्लान कहते हैं तो फैमिली फ्लोटर प्लान हमने क्वेश्चन में भी देखा था ठीक उसके बाद हमारे पास होता है क्रिटिकल इलनेस कवर नॉर्मल हम कोई बीमा लेते हैं स्वास्थ्य बीमा तो उसमें क्रिटिकल बीमारियां नहीं कवर होती जैसे मान लेते हैं कि कैंसर जैसी कोई डिजीज़ हो गई हार्ट से रिलेटेड कोई गंभीर बीमारी हो गई ये बहुत क्रिटिकल डिजीजेस हैं तो इन क्रिटिकल डिजीजेस के इलाज के लिए हम अलग से बीमा करा सकते हैं और ये स्पेशली इन क्रिटिकल डिजीजेस को हैंडल करते हैं तो उसके लिए क्रिटिकल इलनेस कवर भी आता है सबसे अच्छा क्या होता है जब हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो हम कोई राइडर ऐड कर लेते हैं क्रिटिकल इलनेस राइडर जिसमें हमारा बीमा भी कवर रहता है और क्रिटिकल बीमारियों को भी कवर हम कर लेते हैं जस्ट अ सेकेंड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन uh, में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे ये सारा पी मैं वहाँ अपलोड कर दूँगा ठीक है इसके अलावा डिजीज स्पेसिफिक प्लान भी आता है तो जैसे आपका क्रिटिकल इलनेस प्लान है तो इसमें केवल गंभीर बीमारियां हैं आप क्या कर सकते हैं डिजीज़ स्पेसिफिक प्लान भी ले सकते हैं कुछ गंभीर बीमारियों को चुन करके आप केवल उन्हीं का कवरेज ले सकते हैं एक बास्केट बना दिया जाएगा बीमारियों का ये ये बीमारियाँ हैं तो आप ये वाला कवरेज ले लीजिए तो ये स्पेसिफिक है और पूरा ग्रुप इंश्योरेंस भी होता है जो कंपनियाँ कराती हैं मान लेते कंपनी के अंदर हज़ार एम्प्लॉ काम कर रहे हैं कंपनी सभी का इंश्योरेंस कराना चाहती है तो कंपनी करा सकती है क्या ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस तो ग्रुप इंश्योरेंस के अंदर पूरी सबका कंपनी का एक साथ बड़े ग्रुप का कवरेज होता है सीनियर सिटीजन प्लान में क्या होता है बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं उनका प्रीमियम बहुत महंगा होता है तो उनके लिए अलग से प्लान निकाला जाता है क्योंकि उस समय ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं तो अलग स्पेशल प्लान निकाले जाते हैं तो उनको हम लोग प्लान कहते हैं सीनियर सिटीजन प्लान्स चलिए तो ये हमें क्लियर है अगला हम लोग बात करते हैं मरीन इंश्योरेंस मरीन इंश्योरेंस सिंपली ध्यान रखिएगा मरीन मतलब हो गया समंदर ये जो है हमारा शिप है शिप पर कार्गो है ये कंटेनर्स रखे हुए हैं ये लॉजिस्टिक जो हमने माल वगैरह जो है लोड कर रखा है इस पर शिप पर जो लोग काम करेंगे इनको क्रू मेम्बर्स करें क्रू मेबर्स हैं तो हमारी जहाज का जो बीमा होता है उसको मरीन इंश्योरेंस के अंदर डाल देते हैं जहाज़ पर कोई डकैती हो जाती है जहाज़ कहीं लड़ जाता है जहाज़ कहीं डूब जाता है क्रू मेंबर्स को कुछ नुकसान पहुंचाता है उनको कुछ हो जाता है सामान ही चोरी हो गया कुछ भी गड़बड़ हो गया हमारी शिप ने किसी दूसरे शिप को ठोक दिया हमारा शिप पता चला डॉक पर आया वहीं लड़ गया है ना तो कैसा कोई भी इंश्योरेंस कवरेज जो है सब कुछ मरीन इंश्योरेंस के अंदर कवरेज होता है उसका तो इसको हम लोग मरीन इंश्योरेंस कवरेज कहते हैं जिसमें क्रैश वगैरह हो गया कोलिजन हो गया पायरेसी अटैक हो गया है ना बाकी अगर हमारी वजह से कोई डैमेज हुआ माल कहीं खो गया चोरी हो गया और शिप के जो क्रू मेंबर्स हैं इन सब का कवरेज होता है इसको हम लोग जो है मरीन इंश्योरेंस के अंदर डालते हैं तो मरीन इंश्योरेंस में क्या होता है इसको हम कवरेज करते हैं ठीक उसके बाद होता है फायर इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस क्या होता है आग अगु अगर अगर कहीं लग जाती है तो आग और आग से होने वाले डैमेजेस को कवर अप करने के लिए क्या होता है फायर इंश्योरेंस तो जितने भी कमर्शियल बिल्डिंग्स होते हैं सब सभी लोग फायर इंश्योरेंस करा के रखते हैं ताकि उसकी वजह से अगर कोई डैमेजेस वगैरह हो जाए तो उसको पूरी तरीके से कवरेज किया सके सो फॉर दैट देट इज़ अ फायर इंश्योरेंस अगला है ट्रेवल इंश्योरेंस ट्रैवल इंश्योरेंस के अंदर फ्रेंड्स क्या होता है हमारी यात्रा से होने वाली जो घटनाएं हैं जैसे फॉर एग्जांपल अपनी फ़्लाइट डिले हो जाए ट्रिप ही कैंसिल हो जाए तो पैसा हमें मिल जाएगा है ना ट्रिप डिले हो जाए या कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आप बाहर कहीं विदेश में घूमने गए कोई आपको इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो कंपनी आपको पैसा दिला देगी कोई पर्सनल एक्सीडेंट हो जाए लगेज ही चोरी हो जाए तो ऐसा कोई भी दुर्घटना के दौरान यात्रा के दौरान ट्रैवल के दौरान आपकी ट्रिप के ड्यूरेशन में किसी भी टाइप का अगर एक्सीडेंट होता है कोई भी टाइप का घटना घटती है कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हमारे पास क्या कवरेज रहता है उसके पास हमारे लिए होता है ट्रैवल इंश्योरेंस तो आजकल सभी कंपनियां ट्रैवल इंश्योरेंस करा के भेजती हैं ये वो बीमा है जो हमारे पास होने ही चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस घर का बीमा लाइफ इंश्योरेंस कार का बीमा तो लेना ही है और डिसबिलिटी कवरेज ठीक अब सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं ध्यान से देख लीजिए मैं आपको यहीं पर सारा पॉइंट्स रिवाइज करा दे रहा हूँ नोट्स के अंदर है आप बाद में पढ़ सकते हैं एक साथ सुन लीजिए सारे डिफरेंस में बताता हूँ देखिए जब हम जीवन बीमा की बात करते हैं अभी तक हमने सब जनरल इंश्योरेंस देखा जब हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस कवरेज की तो लाइफ इंश्योरेंस के कवरेज के अंदर मेनली ये इंश्योरेंस कवरेज होते हैं क्या क्या होता है टर्म इंश्योरेंस होता है टर्म इंश्योरेंस आपका कवरेज होता है एंडाउनमेंट प्लान होता है यूलिप प्लान होता है मनी बैक प्लान होता है होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है और होता है एन या फिर पेंशन प्लान ठीक ये मेजर लाइफ इंश्योरेंस प्लान होते हैं जीवन बीमा के कवरेजेस हैं सब में डिफरेंस क्या मेजर मेजर डिफरेंस समझिए ध्यान से इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये टर्म इंश्योरेंस की सीधी सी बात प्रीमियम इसका बहुत ही कम होता है बहुत कम पैसा देना है और कवरेज बहुत ज़्यादा होता है कवर बहुत बड़ा होता है है ना लेकिन यहाँ पैसा तभी मिलता है जब जीवन की ज्योति बुझ जाती तो है तो प्योर लाइफ इंश्योरेंस है प्रीमियम देंगे छः से सात आठ दस हज़ार रुपये साल का कवरेज रहेगा अस्सी लाख रुपये एक करोड़ रुपये तक का अगर कुछ हो गया तो परिवार को मिलेगा सीधे एक करोड़ रुपये कुछ नहीं हुआ तो दस हज़ार गया आपका फिर अगले साल फिर से भरिए फिर से कवरेज रहेगा तो टर्म इंश्योरेंस एक्चुअल में एक बड़ा इंश्योरेंस कवरेज होता है जिसमें लाइफ के ना रहने पर ही फैमिली को या फिर नॉमिनी को परिवार वालों को पैसा दिया जाता है ठीक तो ये तो हो गया टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत कम होता है इसका कोई कैश बैक नहीं है कुछ मिलना नहीं है जीते जी जिंदा रह गए जीते जी क्या मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा तो यहाँ कोई पैसा नहीं मिलने वाला ठीक तो एक्चुअल में फैमिली के लिए बड़ा कवरेज ये होता है इसके बाद दूसरी जो इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर पॉलिसी है कि साहब ये बताओ जीते जी कितना पैसा मिलेगा वो पॉलिसी बताओ जिसमें जीते जी पैसा देखने को मिल जाए तब बात आती इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस कवरेज की तो जो एंडाउनमेंट प्लान है फ्रेंड्स इसका प्रीमियम ज़्यादा होता है प्रीमियम इसका हाई होता है प्रीमियम पैसा मतलब इसमें ज़्यादा देना पड़ता है लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक टाइम ड्यूरेशन रहता है कि मान लेते हैं अगर मैंने 20 साल की पॉलिसी ली है 20 ईयर का मेरा मेच्योरिटी टाइम है तो एक तो कंपनी बताएगी सर देखो पाँच लाख का कवर है पाँच लाख का कवर दे दिया कंपनी ने कि अगर सर देखो कुछ बीच में हो गया तो कवर आपको थोड़ा ही मिलेगा पाँच लाख का मिलेगा लेकिन अगर आपको कुछ नहीं हुआ बीस साल तक बच गए सर्वाइव कर गए तो यहाँ पर हमारे पास मेच्योरिटी बेनिफिट है एंडाउनमेंट प्लान में हमें एक साथ पैसा मिलता है कंपनी कहेगी सर बीस साल अगर बचे रहेंगे ना तो जितना पैसा आपने थोड़ा थोड़ा करके जमा किया मान लेते बीस पच्चीस हज़ार रुपये साल का आपको रिटर्न में हम आपको दस लाख रुपए देंगे या बीस लाख रुपए देंगे तो गारंटीड पैसा कंपनी बता देती है पहले की सरी वाला प्लान लो आपको बीस साल के बाद बीस साल में अगर कुछ नहीं हुआ तो इतना पैसा आपको गारंटीड मिलेगा ही मिलेगा तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है लेकिन बहुत बड़ा इंश्योरेंस कवरेज नहीं है कवरेज बट छोटा है प्रीमियम बहुत महंगा है ठीक अगला देखते हैं नेक्स्ट वन अगला हमारे पास मनी बैग मनी बैग थोड़ा सा ध्यान से, से देखिएगा एंडॉनमेंट की तरह इसको भी समझिए यहां पर भी प्रीमियम हाई यहां पर पैसा मिलता है एक साथ बीस साल पूरा करने पर इसके अंदर फायदा क्या होता है इसमें पैसा हमें बीच बीच में मिलता है कंपनी कहेगी सर देखिए हर मान लेते चौथे साल है ना बारह हो गया सोलह हो गया बीस हो गया हर साल चौथे साल हम आपको बीच बीच में पैसा देते रहेंगे बीच में अगर कुछ हो गया तो तो कवरेज मिलेगा ही लेकिन बीच बीच में आपको पैसा मिलता रहेगा वो फिक्स अमाउंट आपको बता दी जितनी बड़ी आप पॉलिसी लेंगे तो होता मनी बैक प्लान जिसमें मनी हमारी बैक होती रहती तो ये भी इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस प्लान है लेकिन इन दोनों जगह में रिटर्न बहुत हाई नहीं होता जनरली आपको आर डी डी में जो इंटरेस्ट मिल रहा होता है वही इंटरेस्ट यहाँ पर कंपनी हमें देती है ज़्यादा अगर रिटर्न चाहिए ज़्यादा बड़ा खेलना है तो यूलिप प्लान है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान प्रीमियम इसका हाई लेकिन यहां पर हमारा पैसा कई जगह इन्वेस्ट होता है हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा जो है बड़े बड़े जगह पर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल शेयर बाजार में लगा दिया गया सिक्योरिटी में लगा दिया गया बॉन्ड में लगाया गया और हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के अलग अलग ऑप्शन होते हैं आप प्लान को स्विच कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को मूव कर सकते हैं तो एक बड़ा एडवांटेज हमें देखने को मिलता है ठीक तो होता है यूलेप प्लान इसमें भी इन्वेस्टमेंट प्लस ये आप चाहते हैं सर कवरेज पूरी लाइफ के लिए रहे मतलब लाइफ का मतलब जनरली सौ साल तक अमूमन कंपनियाँ कवरअप करती हैं तो पूरी लाइफ का कवरेज रहे तो उसके लिए होल लाइफ प्लान होता है ये भी काफ़ी महंगा होता है इसका प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा होता है लेकिन पूरे लाइफ के लिए कवरेज रहता है बाद में कुछ हो गया तो घर वालों को पैसा हम चाहते हैं सर रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसा महीने का मिलता रहे नहीं तो रिटायरमेंट के बाद खर्चा कैसे चलेगा तो इसके लिए आता है एनअटी प्लान पेंशन प्लान अब दस बीस तीस साल कुछ पैसा भरते रहते हैं जिसमें आपका इंश्योरेंस कवरेज तो रहता ही है लेकिन साथ ही साथ कंपनी कह देती सर इतने टाइम तक बच गए तो चलो साठ साल के बाद कुछ महीने का पैसा आपको प्रीम पेंशन के तौर पर हम देते रहेंगे तो इसको हम कहते हैं एनवर्टी प्लस पेंशन प्लान इसमें से अगर कोई डाउट हो तो पूछिए कमेंट सेक्शन फिर मैं आगे बढ़ता हूँ देखिए बताइए हाँ यूलिप में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है एंड बिकॉज ऑफ रिस्क इज़ वेरी हाई विद इन द यूलिप सो विल गेट वेरी लेस रिटर्न तो रिटर्न इसीलिए हमें बहुत कम मिलता है वहाँ पर ठीक है हाँ मनी बैक में प्रीमियम काफ़ी हाई होता है उससे ज़्यादा हाई यहाँ पर होता है इन्वाउमेंट में थोड़ा कम होता है सबसे सस्ता यूलिप टर्म इंश्योरेंस प्लान ठीक चलिए तो जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तो एनऑर्टमेंट में क्या हो गया इंश्योरेंस प्लस सेविंग टर्म इंश्योरेंस में केवल लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज हमें देखने को मिलता है तो ये हमें देखने को मिलता है कवरेज ठीक है डिफ्रेंसेस यहाँ पर नोट्स के फॉर्म में मैंने ऐड कर रखे हैं आप इसको बाद में देख भी सकते हैं ठीक इंग्लिश हिंदी दोनों में है सो यू कैन सी चेक दिस वन ठीक यूलिप प्लान में जैसे मैंने आपको बताया तो यूलिप प्लान में आपका लाइफ इंश्योरेंस कवरेज प्लस आपको इन्वेस्टमेंट के लिए यूनिट अलॉट हो जाती हैं पैसा आप इक्विटी फंड डेट फंड मनी बैक प्लान यहाँ पर बैलेंस फंड अलग अलग जगह फंड्स में पैसा लग सकता है तो यूलिप में हमारे पास इन्वेस्टमेंट के मल्टीपल ऑप्शन हो जाते हैं ठीक टाइप्स ऑफ फंड्स में कहाँ पर कितना रिस्क रहता है शेयर बाजार में सबसे ज़्यादा रिस्क हाई रिस्क तो हाई रिटर्न है और यहाँ पर लो रिस्क रहेगा मनी मार्केट में तो लो रिटर्न रहेगा तो इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग रिटर्न भी हमारे क्या होते हैं प्लान्स होते हैं ठीक उसके बाद हम देखें यूलिप प्लान इंडिया में सबसे पहली कंपनी थी यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिसने जो है यूलिप जैसा प्लान इंट्रोड्यूस किया था मैं आपको बता देता हूँ आज की डेट में यूलिप प्लान बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है आज की डेट में पता क्या चलता है आज के डेट में चलता है म्यूचुअल फंड्स तो लोग जो है यूलिप की जगह यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान की जगह लोग एक टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं और जो पैसा है वो डाल देते हैं म्यूचुअल फंड में तो म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न भी काफ़ी अच्छा बन के मिलता है और टर्म इंश्योरेंस रहता है तो आपकी फैमिली को कवर भी बड़ा मिल जाता है तो दोनों फ़ायदे एक साथ देखते को मिलता है और इसलिए आजकल यूलिप प्लान ज़्यादा पॉपुलर नहीं है ठीक थोड़ा सा ये रहता है टैक्स बेनिफिट्स मिल जाता है अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा एडवांटेज नहीं है चलिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने आपको बता दिया क्या होता है देखिए सभी पॉलिसीज़ के बीच में कंपैरिजन चार्ट यहाँ पर है एंडाउनमेंट प्लान यूलिप प्लान मनी बैक प्लान होल लाइफ प्लान पेंशन प्लान और टर्म इंश्योरेंस प्लान अगर आप चाहें तो बाद में आराम से सबका डिफरेंसेस पढ़ सकते हैं ठीक तो यू कैन गो थ्रू दीज डिफरेंसेस चलिए अगला मैं बात करता हूँ आपसे मोटर व्हीकल इंश्योरेंस क्या होता है मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में क्या होता है कि अगर हम अपनी गाड़ी से किसी दूसरे की गाड़ी को ठोक दें या हमारी गाड़ी ठोक जाए ठीक है तो उसके लिए क्या होता है हमारे पास मोटर व्हीकल इंश्योरेंस हमें देखने को मिलता है मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के अंदर मिनिमम 18 साल की एज हमारी गाड़ी वगैरह चलाने के लिए होनी चाहिए थर्ड पार्टी कवरेज वगैरह ये सब कुछ होता है क्या होता है पहले मैं आपको दिखा देता हूं ये बंदा होता है फर्स्ट पार्टी ठीक है मतलब मान लेते हैं हम हैं हम हैं फर्स्ट पार्टी हमने किसी की गाड़ी ठोक दी तो ये बंदा हो गया थर्ड पार्टी तो फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही होता है लेकिन मैं आपको केवल समझाने के लिए बता देता हूं सेकंड पार्टी क्या होता है हमें फर्स्ट पार्टी ये हमारी सेकंड पार्टी हम जिसको ठोकेंगे वो होगा थर्ड पार्टी ठीक तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज मैंडेटरी विद इन इंडिया इंडिया में अगर आपको वाहन चलाना है तो आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस चाहिए ही चाहिए होगा विदाउट द थर्ड इंच विदाउट द थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वी कॉन्ट रन व्हीकल विद इन इंडिया हम भारत के अंदर गाड़ी नहीं चला सकते हैं ठीक दूसरा पॉइंट अगर हम जो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस हमारे पास है जनरली जब नई गाड़ी होती है वो तो शोरूम से बाहर निकलती है तो उसमें फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी दोनों कवरेज रहता है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज रहता है मोटर व्हीकल का जिसमें हम हमारी गाड़ी और जिसको हम ठोकेंगे उसकी भी गाड़ी पूरा वो पूरा उसका कवरेज सब कुछ का बना रहता है ठीक बट गाड़ी बहुत पुरानी हो जाती तो लोग जनरली क्या करते हैं थर्ड पार्टी चूँकि कंपलसरी है उसको ले लेते हैं और फर्स्ट पार्टी क्या करते हैं छोड़ देते हैं क्योंकि गाड़ी की क्लेम वैल्यू ज़्यादा रहती नहीं है और उसमें इंश्योरेंस uh, uh, महंगा पड़ता है तो लोग उसको अवॉइड कर देते हैं ठीक इतने पॉइंट सभी को क्लियर हैं तो आई थिंक ये पॉइंट आप सभी को समझ सुनवागे दैट्स ग्रेट ठीक है तो वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मैंशन कर दिए हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है मोटर वाहन बीमा क्या होता है आप इसको चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज वेरी मच मैंडेटरी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के अंदर क्या होता है आपको सारा कवरेज एक साथ फुल कवरेज देखने को मिलेगा इफ यू विल टेक द कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्लान तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्लान के अंदर सब कुछ आपको सारा कवरेज देखने को मिलता है अब मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ इंश्योरेंस ऑम्बोट्समेंट ध्यान से सुन लीजिए आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से याद हो जाएंगे ठीक है तो इंश्योरेंस ऑम्बर्ट्समेंट मैं आपको बताता हूँ लेस, डिस्कस दिस वन नीदा ब्लैंक स्लाइड सो आई होप आई गेट दिस वन चलिए तो यहां पर मैं आपको बताता हूं बहुत ध्यान से देखिएगा अगर आपने इंश्योरेंस ऑम्बोट्समेंट जो भी मैं बता रहा हूँ इतना आपने सुन लिया तो आपको इंश्योरेंस ऑम्बोट्समैन समझ में आ जाएगा क्या होता है इंश्योरेंस ऑम्बर्ट्समैन हमारी इंश्योरेंस कंपनी की सर्विस के अगेंस्ट अगर हमारी कोई शिकायत है हमारी कोई कंप्लेन है तो उसको रिड्रेस करने के लिए उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास इंश्योरेंस ऑम्बोट्समैन या इसको हम बीमा लोकपाल कहते हैं वो हमारे लिए उपलब्ध है और आई आई कहीं ना कहीं हमारे लिए इंश्योरेंस ऑम्बोर्ट्समेंट या इंश्योरेंस लोकपाल हमारे लिए नियुक्त करता है अब सवाल उठता है कि इंश्योरेंस ऑम्बोर्ट्समेंट के पास हम जा कैसे सकते हैं वट इज द प्रोसेस वो प्रोसेस क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं बहुत ध्यान से देखिएगा विल गेट द क्लैरिटी देखिए हमें क्या करना है मान लेते हैं ये अपने हैं हम लोग हैं और अपने लोग दुखी हैं मान लेते हैं एल से ही एल से ही दुखी हैं कंप्लेन करना है क्या प्रोसेस होगा सबसे पहले हमें क्या करना होगा हमें जो हमारी बीमा कंपनी है उसमें कंप्लेन रजिस्टर करनी पड़ेगी इससे शिकायत है तो सबसे पहले आप इसको बताइए आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा कंप्लेन रजिस्टर करना पड़ेगा कंप्लेन आप ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं और ऑफलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं सो so, कंप्लेन आपके पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह का रजिस्टर करने का ऑप्शन होता है ठीक जब आप इंश्योरेंस कंपनी को भाई कंप्लेन करेंगे उसके बाद आप थर्टी वर्किंग डेज तक ये फर्स्ट डे है ये तीस दिन है तो थर्टी वर्किंग डेज तक आप क्या करेंगे वेट करेंगे इंतजार करेंगे तीस दिन तक आज कंप्लेन कर दिया वेट करेंगे तीस दिन तक अगर तीस दिन में बीमा कंपनी ने आपको कोई सोल्यूशन दिया एंड इफ यू आर सेटिस्फाइड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन तो कोई दिक्कत नहीं फिर तो मैटर ही खत्म फिर बीमा कंपनी ने आपको कोई समाधान दिया कोई सोल्यूशन दिया एंड यू आर बेसिकली सटिस्फाई फ्रॉम दैट सोल्यूशन सो देर इज नो नीड फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोसेस फिर तो बात ही खत्म हो गई लेकिन अगर मान लेते हैं बीमा कंपनी ने आपको इस तीस दिन के दौरान आपको कोई सोल्यूशन दिया आप अगर सेटिस्फाई नहीं हैं संतुष्ट नहीं हैं या फिर तीस दिन के अंदर आपको कोई एंटरटेन ही नहीं किया गया आपको कोई सोल्यूशन दिया ही नहीं बीमा कंपनी ने ऐसे ही टाइम पास कर दिया तीस दिन चले गए अब आपके रास्ते खुल जाते हैं कि फ्रॉम द नेक्स्ट डे नाउ यू आर एलिजिबल फ्रॉम द नेक्स्ट डे अगले दिन से आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाते हैं कि आप जा सकते हैं किसके पास इंश्योरेंस ऑम्बर्ट्स के पास लेकिन मैक्सिमम टाइम कितना होता है एक साल का एक साल के बाद अगर इस कंप्लेन को आप लेके जाएंगे तो आपको इंटरटेन नहीं किया जाएगा तो यहां पर अब आपके पास ऑप्शन खुलता है किसका इंश्योरेंस ऑम्बर्ट्समैन का इंश्योरेंस लोकपाल का अब आप कंप्लेन कर सकते हैं ठीक अब सवाल उठता है सर तीस दिन बाद हम कंप्लेन कर सकते हैं तो क्या तरीका होगा तो तरीका वही है हम इंश्योरेंस ऑम्बुट्समैन में कंप्लेन ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन हम कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं कंप्लेन यहां पर हम रजिस्टर करेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑनलाइन या ऑफलाइन हम क्या करेंगे कंप्लेन रजिस्टर कर देंगे ठीक है बहुत ध्यान से सुनेगा अभी सारे पॉइंट्स आपके दिमाग पर बैठ जाएंगे क्या है आपको जो कंप्लेन है इंश्योरेंस ऑम्बोट्समैन के पास ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी कर सकते हैं मेल कर दीजिए लेटर लिख दीजिए जो भी है यू कैन कंप्लेन इसके बाद क्या होगा इंश्योरेंस ऑम्बोट्समैन बुलाएगा हम लोगों को ये इंश्योरेंस ऑम्बोट्समैन बीमा लोकपाल की अदालत में हमें बुलाया जाएगा किसको किसको बुलाया जाएगा भाई एक तो बीमा कंपनी वालों को बुलाया जाएगा और एक अपने लोगों को बुलाया जाएगा ठीक दोनों लोगों को यहां पर बुलाया जाएगा दोनों लोगों को बुलाया गया यहां पर सबसे पहले इंश्योरेंस ऑम्बर्टमेंट कोशिश करता है कि समझौता करा के बातचीत से मामला निपट जाए और दोनों लोग आपस में ही समझौता कर लें सेटलमेंट कर लें इसको हम लोग इंश्योरेंस की भाषा में कहते हैं रिकमेंडेशन देना सबसे पहले इंश्योरेंस ऑम्बर्ट्समेंट क्या चाहेगा कि भाई मारपीट हुई है लड़ाई झगड़ा हुआ तो आपस में समझौता करके बातचीत से मामला निपटा लें और दोनों आपस में समझ लें मैटर क्लोज अगर ऐसा होता है अगर ऐसा होता है

पाँच लाख रुपए जो है अगले पंद्रह दिन के अंदर देगी तो अगर सेटलमेंट हो जाता है तो पैसा भाई कितने दिन के अंदर मिलता है पंद्रह दिन के अंदर ठीक पॉइंट क्लियर है फिर से समझिए पहले आप कंप्लेन करेंगे तीस दिन का इंतजार करेंगे नई बात बनी इंश्योरेंस ऑम्बर्ट्समेंट में कंप्लेन करिए कुछ दिन बाद आप दोनों लोगों को बुलाया जाएगा सबसे पहला काम होता है रिकमेंडेशन का समझौता कराने का समझौता एक्सप्रेस अगर चल गई बातचीत से मामला निपट गया तो ऐसे में जो सेटलमेंट की जो राशि है जो सेटलमेंट का अमाउंट है वो आपको नेक्स्ट फिफ्टीन डेज के अंदर मिल जाएगा लेकिन सोच लीजिए यहां पर बात नहीं बनी आप कहे नहीं हमको तो बीस लाख रुपए चाहिए अपनी तो बात ही नहीं बनी आप। अगर हम यहां पर एग्री ना हो तो इंश्योरेंस ऑम्बर्समेंट कहेगा ठीक है भाई मान ही नहीं रहा कोई दिक्कत नहीं फिर इसके बाद तीन महीने के बाद तीन महीने के बाद फिर से सुनवाई होती है तीन महीने के बाद क्या होगी फिर से सुनवाई होगी तीन महीने के बाद आफ्टर आफ्टर थ्री मंथ्स इंश्योरेंस कंपनी और हम दोनों लोगों को फिर से बुलाया जाएगा मतलब दोनों लोगों को दोनों पार्टियों को किसको किसको बीमा कंपनी को और हमें फिर से बुलाया गया अब फिर से फैसला सुनाने का समय आ गया तीन महीने के बाद इंश्योरेंस अम्बोट्समैन फैसला सुनाएगा उसको कहते हैं अवॉर्ड देना ऐसे में अगर बीमा कंपनी को दोषी पाएगा इंश्योरेंस अम्बोट्समैन कह रहा है कि बेटा तुम दोषी पाए गए हो और तुमको देखो पांच में निपटा रहे थे ना पंद्रह लाख रुपए दो अगले को पंद्रह लाख का कंपनसेशन दो अगले को ये बात तय हो गई कि यहाँ पर अवार्ड इसने पास कर दिया पंद्रह लाख इसको इसको देना पड़ेगा लेकिन अब पैसा कितने दिन के अंदर देना होगा पहले तो पंद्रह दिन में ही मिल जाता हमें पैसा लेकिन अब पैसा हमें मिलेगा तीस दिन में तो अगर अवार्ड पास होता है तो पैसा मिलता है भाई तीस दिन में अगर होता है अगर होता है समझौता अगर होता है सेटलमेंट तो सेटलमेंट का पैसा मिलता पंद्रह दिन में ठीक और यहां पर बात खत्म इंश्योरेंस ऑम्बर्समेंट कितने तक का मैक्सिमम केस देखता है तीस लाख रुपए तक का देखता है. से बड़ा केस नहीं देखता है. अगर आपको इतनी इतनी कहानी अगर समझ में आ गई है सब कुछ लिखा हुआ है तो बीमा लोकपाल बेसिकली क्या होता है हमारी कस्टमर की कंप्लेंट्स को सॉल्व करने के लिए इंश्योरेंस ऑम्बर्समेंट होता है देश भर में सत्रह इंश्योरेंस ऑम्बर्समेंट इंश्योरेंस लोकपाल हैं जिनका काम क्या है जो ग्राहक हैं जो कस्टमर हैं उनकी कंप्लेंट्स को सॉल्व करना जो बीमा कंपनी के खिलाफ हो सबसे पहले हमें क्या करना होता है हमें कंप्लेन करना होता है ठीक है हमें कंप्लेन करना होता है अगर कंप्लेन हमारी रिजेक्ट हो जाती तीस दिन तक इंतजार करना होता है और तीस दिन के बाद हम जा सकते हैं कंप्लेन करने के लिए तो सबसे पहले बीमा कंपनी को आप कंप्लेन करेंगे उसके बाद अगर वो रिजेक्ट कर दिए या कुछ नहीं बताया या कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तीस दिन के बाद पहुँचिए लोकपाल में कितने तक का ये केस हैंडल करता है मैक्सिमम तीस लाख तक का कंपनसेशन मैक्सिमम मिल सकता है केस तो आपका करोड़ों का तब भी देखेगा हर जाना मैक्सिमम कितना मिल सकता है तीस लाख का ठीक वही बात यहां पर हिंदी में लिखी आप बाद में भी देख सकते हैं हाँ आई आई डी आई एक्ट के थ्रू ये हम कंप्लेन यहाँ पर फाइल कर सकते हैं तो हमारे पास वो पूरा अधिकार है वो कंप्लेन कब कर सकते हैं ये सिफारिश और रिकमेंडेशन क्या होता है देखिए मैंने आपको बताया ये बाबू राव है ना बाबू राव राजू और श्याम के बीच में हमेशा समझौता कराता था तो फोटेज अपने दिमाग में बैठा लीजिए सबसे पहले इंश्योरेंस ऑम्बोर्टमेंट कराएगा रिकमेंडेशन जिसको हम कहते हैं समझौता कराना जिसमें लोकपाल जो है इंटरमीडियरी की तरह काम करता है जैसे बाबूराव इन दोनों के बीच में समझौता कराता था अगर समझौता हो गया तो पैसा कितने दिन के अंदर मिलेगा नेक्स्ट फिफ्टीन डेज के अंदर अगर पैसा हो गया समझौता हो गया तो बीमा कंपनी आपको पंद्रह दिन के अंदर धनराशि दिन दिन का पैसा देगी अगर सेटलमेंट नहीं होता है तो इसके तीन महीने के बाद पास होता है अवार्ड है ना इसके बाद क्या होगा अवार्ड पास किया जाएगा अवार्ड के लिए कितने दिन बाद बीमा कंपनी इंश्योरेंस ऑम्बर्ट्स हमें बुलाता है तीन महीने के बाद हमें बुलाया जाता है दोनों लोगों को और इंश्योरेंस कंपनी को जब दोषी पाया जाएगा तो फिर पैसा अब हमें कितने दिन बाद मिलेगा अब हमें मिलेगा तीस दिन के बाद सो नाउ आफ्टर थर्टी डेज विल गेट द अमाउंट अब हमें पैसा जो है थर्टी डेज के बाद जो है पैसा मिलेगा देखिए बात सभी को समझ में आ गई क्या इंश्योरेंस ऑम्बर्ट्स फिर मैं इसमें कुछ अपडेट बताऊं फटाफट फड़ बताइए कमेंट सेक्शन में आ गया सभी को क्लियर है ठीक है तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कंप्लेन करेंगे तीस दिन वेट करेंगे कंप्लेन ऑनलाइन या ऑफलाइन बीमा कंपनी में कर दीजिए मैक्सिमम टाइम कितना है जिसमें हम कंप्लेन जाके कर सकते हैं इंश्योरेंस ऑम्बर्टमेंट पास एक साल तक का पर सबसे पहले क्या होता है समझौता चलाया जाता है जिसको हम कहते हैं रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन अगर पास हो गया तो उसमें बीमा कंपनी कितने दिन के अंदर पैसा देती है पंद्रह दिन के अंदर देती है अगर रिकमेंडेशन में बात नहीं बनी समझौते में बात नहीं बनी तो तीन महीने बाद फिर से बुलाया जाता है और ऐसे में फिर अवार्ड पास किया जाता और अवार्ड का पैसा हमें फिर मिलता तीस दिन के अंदर ठीक कुछ और इम्पॉर्टेंट बात अगर हमने किसी और कोर्ट में केस कर दिया है तो इंश्योरेंस ऑम्बर्ट्समेंट में केस नहीं करेंगे अगर हमारा केस इंश्योरेंस ऑम्बोट्समेंट के अंदर चल रहा है तो हम कहीं और केस नहीं करेंगे जब यहाँ से फैसला सुनाया जा चुका हो और आप संतुष्ट नहीं हैं तब आप इसके बाद अदालत का रुख कर सकते हैं आप कोर्ट में जा सकते हैं चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट कहीं जाइए उससे कोई मतलब नहीं लेकिन जब यहाँ पर केस चल रहा होता है उस ड्यूरेशन में आप कहीं और कंप्लेन नहीं करेंगे या आपका ऑलरेडी केस और कहीं चल रहा है तो आप यहाँ कंप्लेन नहीं करेंगे ठीक इतनी बात समझ आ गई ओके अब मैं आपको इसमें कुछ अपडेट ऐड कर देता हूँ हमारे देश में अभी तक इंश्योरेंस ओम्बसमैन के दायरे में केवल और केवल आती थी बीमा कंपनियां जो बीच में जो एजेंट होते हैं जो इंटरमीडरी लोग होते हैं एजेंट ब्रोकर होते हैं इनको बीमा लोकपाल के दायरे में नहीं लाया जाता था मतलब बीमा लोकपाल जो है वो गला पकड़ता था केवल बीमा कंपनी का एजेंट ने आपको कुछ छूट बोल के पॉलिसी बेची है या बीच में कोई ब्रोकर है तो उसको इस दायरे में नहीं रखा जाता था लेकिन गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस ऑम्बोट्समेंट अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया जिसके थ्रू ये कहा गया कि नहीं अब इंश्योरेंस ऑम्बोट्समैन के दायरे में एजेंट और लोकपाल दोनों लोग आएंगे तो उनको अब बीमा लोकपाल के दायरे में लाया गया है एक अमेंडमेंट एक संशोधन दूसरा अब इंश्योरेंस ऑम्बोट्समैन जो है इंश्योरेंस लोकपाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी केस की सुनवाई कर सकता है तो अगर इंश्योरेंस ऑम्बोटमेंट जाएगा चाहेगा तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी कंप्लेन की सुनवाई कर सकता है घर बैठे बैठे अपना केस लड़िए लीजिए आप इसके अलावा जो इंश्योरेंस ऑम्बोट्समेंट का जो अपॉइंटमेंट होता है जो लोकपाल की नियुक्ति होती है पहले उसका रिटायरमेंट एज सत्तर साल था उसको घटा के अड़सठ साल कर दिया गया है ये तीन मेजर अमेंडमेंट्स हैं इनको ध्यान रखिएगा ठीक है तो यहां पर ध्यान रखिएगा 17 ऑम्बोटमेंट सेंटर्स आपको देखने को मिल सकते हैं ठीक है तो अम्बोर्ट्समेंट आपको देखने को मिल गया अमेंडमेंट लाया गया अमेंडमेंट में क्या ऐड किया गया इंश्योरेंस अमेंडमेंट टू थाउजेंड इंश्योरेंस एजेंट और ब्रोकर को इस दायरे में ला दिया गया मैंने आपको समझा दिया बाद में देख लीजिएगा इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी अब कंप्लेन हो सकती है सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू केस की सुनवाई हो सकती है कोई दिक्कत नहीं तो अब केसेस की हियरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हमें देखने को मिलती है ठीक है तो ऐसे भी हो सकता है ठीक अब समरी यहाँ पर एक साथ देख लीजिए टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर घटा दिया गया चलिए क्या क्या है समरी सुन लीजिए टोटल इंश्योरेंस ऑम्बर्ट्समेंट देश में कितने हैं सत्रह हैं कंप्लेन करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को वेट करेंगे तीस दिन टोटल क्लेम कितना है कंपनसेशन का तीस लाख इंश्योरेंस ऑम्बर्ट्समेंट सबसे पहले करेगा रिकमेंडेशन पंद्रह दिन के अंदर पैसा मिलेगा रिकमेंडेशन का नहीं तो तीन महीने बाद बुला के अवार्ड दिया जाएगा और उसका पैसा तीस दिन के अंदर आपको मिलेगा इंश्योरेंस अम्बर्ट्समैन का कार्यकाल कितने साल का होता है तीन साल का होता है मिनिमम एज जो इंश्योरेंस अम्बर्समैन नियुक्त होता है पचपन से पैंसठ साल पहले रिटायरमेंट एज हुआ करती थी सत्तर साल अब रिटायरमेंट की एज प्रेजेंटली अड़सठ साल है और जो बंदा बीमा लोकपाल के तौर पर नियुक्त किया जाएगा उसके लिए कम से कम पच्चीस साल का एक्सपीरियंस उसके पास इंश्योरेंस इंडस्ट्री का होना चाहिए है पूरा आपका बीमा लोकपाल देखिए पॉइंट्स क्लियर है सभी को दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरी तो ये समरी ऑफ बीमा लोकपाल हमने देखा बीमा लोकपाल पढ़ के जाएगा उम्मीद करते हैं यहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको मिलने चाहिए पीडीएफ सेशन के बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी ठीक है चलिए अरे भाई अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है वो लोकपाल की समरी थी हाँ। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं सर थैंक्स फॉर द सेशन नाइस सेशन अरे नाइस सेशन अभी बाद में कहना है अभी वो इंश्योरेंस लोकपाल की समरी थी अभी तो यार हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस थोड़े से इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं पिक्चर अभी बाकी है अभी तो रिवीजन है बच्चा वो इंश्योरेंस अम्बर्ट्समैन की समरी थी है ना अभी बीमा का हिस्ट्री बचा है थोड़ा सा चलिए इंश्योरेंस की हिस्ट्री बहुत पुरानी है है ना और हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें तो मनुस्मृति है ना और धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र कौटिल के अर्थशास्त्र बहुत जगह जो है रिसोर्सेज के, के कलेक्शन की बात की गई थी तो बीमा की हिस्ट्री बहुत पुरानी है जैसे भारत में अट्ठारह में बैंक ऑफ कैलकटा जिसको हम बैंक ऑफ बंगाल कहते हैं बैंक ऑफ बॉम्बे बैंक ऑफ मद्रास खुला ऐसे अंग्रेज़ों ने शुरुआत में जो है तीन इंश्योरेंस कंपनी भारत में शुरू की थी सबसे पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आई थी अट्ठारह सौ अठारह में औरटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अट्ठारह में दूसरी खुली बॉम्बे में तब बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अट्ठारह में मद्रास इक्विटेबल मद्रासटेबल कॉरपोरेशन ये तीसरी कंपनी खुली पहली इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी खुली थी बॉम्बे में बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी और अट्ठारह में भारत इंश्योरेंस कंपनी ये पहली इंडियन कंपनी थी फैक्चुअल डेटा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट पहली बार भारत में जीवन बीमा कंपनियों के लिए नियम कब लाया गया तो पहली बार भारत में जीवन बीमा कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट नाइनटीन में लाया गया जिसका हमने जिक्र किया था बहुत डिटेल में नहीं इन शॉर्ट मैं रिविज़न करा रहा हूँ आप बाद में पी के थ्रू रिवाइज करिएगा और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे देश में बीमा कंपनियों को सही तरीके से नियंत्रित किया जाए पहली बार ऐसा कानून आया था इसके बाद दोबारा उन्नीस में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है इंश्योरेंस एक्ट 1938 ये दूसरी बार कानून आया जब जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों के बिजनेस को कंट्रोल किया गया ये पहली बार ये कानून लाया गया और इसमें आपको उस समय तक हमारे यहाँ बीमा का बिजनेस 300 करोड़ का पहुंच गया था और 176 से ज्यादा कंपनियां थी और पहली बार ऐसा नियम लाया गया जिसमें लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस दोनों को कंट्रोल किया गया तो बोथ लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस वर्क कवर्ड ठीक इसके बाद ज़रूरत पड़ी कि सभी बीमा कंपनियों को मिलाकर हम सरकारी करें और हमारे देश में इंश्योरेंस सेक्टर को नेशनलाइज किया जाए तो फिर उसके बाद कहानी बढ़ती है बर्थ ऑफ़ एल होता है नाइनटीन ऑफ जैन नाइनटीन को नेशनलाइजेशन ये एल के लिए मर्जर के लिए बात की गई और ऑलमोस्ट लगभग 245 कंपनियों को मिलाकर एक बड़ी कंपनी बनी जो पहले जितनी कंपनियां काम कर रही थी लाइफ इंश्योरेंस की लगभग सबको मिलाकर बना दिया एल एल का इस्टेब्लिशमेंट ध्यान रखिएगा फर्स्ट सेप्टेम्बर नाइनटीन को एल का गठन किया गया योगक्षेम वहामयम ये इसकी थीम लाइन है चेयरपर्सन प्रेजेंट टाइम में मिस्टर सिद्धार्थ मोहनती साहब आपको देखने को मिल जाएंगे योगक्षेम वहामय्यम भारतीय जीवन बीमा निगम जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी ये बहुत इंपॉर्टेंट जो ए, है इंस्टीट्यूशन है एल आई सी ठीक एल अपने आप में सभी कंपनियों के अंदर भाई एल का पैसा लगा है इसकी बात बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस की तो अभी तक हमने लाइफ इंश्योरेंस देखा अब बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस की अरे भाई पीडीएफ मिल जाएगा पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम का चैनल जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया पी की टेंशन ना लो एक बार देख लो फिर पीडीएफ पढ़ोगे तो जल्दी समझ में आएगा है ना नहीं तो मैं पीडीएफ ही प्रोवाइड कर दिया तो भाई सेशन का फिर क्या मतलब था ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस की तो हमने लाइफ की बात कर ली 1912 में पहले लाइफ इंश्योरेंस का कानून आया फिर उन्नीस में दोनों का कानून आया फिर लाइफ इंश्योरेंस बन गया अब यहाँ पर बात शुरू होगी जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस की भारत में सबसे पहली बार जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का काम भी ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया अट्ठारह में ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी खुली कलकाटा में इंडिया की तरफ से पहली मर्केंटाइल इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड बॉम्बे में खुली 1907 में तो पहली देश के अंदर जनरल इंश्योरेंस कंपनी ये और पहली इंडियन जनरल इंश्योरेंस कंपनी ये ठीक आगे बढ़ते हैं देखिए जैसे हमारे देश देश में में लाइफ इंश्योरेंस के के बिजनेस को 1956 में किया गया वैसे अंदर 107 जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज के बिजनेसेस को मिलाकर एक कानून लाया गया था उन्नीस में जिसको गिबना एक्ट कहते हैं जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट इसके तहत सरकार ने क्या किया था सभी जनरल इंश्योरेंस की कंपनियां जो काम कर रही थी सामान्य बीमा की सबको मिलाकर क्या कर दिया एक कर दिया मैंने पहले इसीलिए आपको डिफरेंस बता दिया था लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस क्या होता है ताकि मैं आपको यह बताऊं तो आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो आई थिंक आपको समझ में आ रहा हूँ अच्छे से ठीक तो ये हमने देखा और इसके बाद जब उन्नीस में कानून लाया गया 107 कंपनियों को मिलाया गया तो उसके बाद क्या हुआ 107 कंपनियों को मिलाकर ये चार कंपनियां बना दी गई और इनके ऊपर एक रेगुलेटर की तरह बैठा दिया गया जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस के लिए जिसको नाम दिया गया जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और इसके अंदर चार कंपनियां इनको दे दी गई और इन्हीं का फॉर्म आप भर रहे हो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एन आई नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ओ का आने वाला है भविष्य में आ जाएगा ओरिएटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यू यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी तो आपका इसका फॉर्म भरे हो इसका फॉर्म भरे हो इसका फॉर्म भरे हो तो कम से कम जिसका फॉर्म भरे हो उसकी कंपनी तो देख ही लो ये कंपनियां कहां से पैदा हुई कहां से आई 1972 में जनरल इंश्योरेंस की 107 कंपनियां थी उन सबको मिलाकर हमने चार कंपनियों में कन्वर्ट कर दिया और उसके ऊपर एक रेगुलेटर बैठा दिया जी और ये चार ये कंपनियां रही ठीक आगे बढ़ते हैं इससे इसकी कहानी आगे बढ़ते हैं उसके बाद 1991 में हमारे देश में बहुत उथल फुथल हुई एल मॉडल लाया गया बैंक में बहुत सुधार हुए नरसिम्हन कमेटी बनी थी ऐसे इंश्योरेंस फील्ड में सुधार करने के लिए नेशनलाइजेशन कराया गया लिबरलाइजेशन लाया गया इंश्योरेंस सेक्टर में और बैठा बैठाया गया मल्होत्रा कमेटी को मल्होत्रा साहब से कहा गया कि साहब बताओ क्या क्या किया जाए तो मल्होत्रा साहब ने कहा कि ये काम करो बाहर की विदेशी कंपनियों को इंश्योरेंस के बिजनेस में लाइसेंस दो और ये जो जनरल इंश्योरेंस के लिए एल और जी आई इधर काम कर रहा है जनरल इंश्योरेंस के लिए जी और लाइफ इंश्योरेंस के लिए एल जो देख रहा ये सब कहानी ख़त्म करो जैसे बैंक के लिए आर है वैसे इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक बढ़िया रेगुलेटर बनाओ और ये जनरल और लाइफ वाला कंसेप्ट खत्म कर दो ठीक तो ये चीज़ ख़त्म करने के लिए यहाँ पर कहा गया और इनकी बात मान ली गई और फिर हमारे पास बना आई आर डी ए आई एक्ट नाइनटीन इसके मदद से हमारे देश में जो है पूरे इंश्योरेंस के सेक्टर के लिए अब एक रेगुलेटर आ गया था एक रेगुलेटर अब हमारे पास आ गया है ठीक और कौन सा इसके लिए कानून बनाया तो हमने इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1999 इंट्रोड्यूस किया और इसके तहत इसके तहत हमारे देश में हमें रेगुलेटर मिला क्या मिला आई आर डी आई हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद देवाशीष पांडा प्रेजेंट टाइम चेयरपर्सन है और देश में बीमा कंपनियों के जो ग्राहक हैं और बीमा का बिजनेस अच्छे चलता रहे उसके हित के लिए काम करता है ठीक तो हैदराबाद में हेडक्वार्टर देवाशीष पांडा और एक्चुअली देखिए फिर से सुनिएगा अगर आपसे पूछा जाए आई कब बना तो जनरली हम नाइनटीन मार्क कर देते हैं क्योंकि उसी समय उसका कानून आया था उसी समय उसके बनाने की बात हुई थी बट अगर आपसे क्वेश्चन कभी एग्जैक्ट स्टैब्लिशमेंट ईयर पूछा जाए ना तो 19 अप्रैल 2000 को इसको एग्जैक्टली exactly स्टैब्लिश किया मतलब इसने काम शुरू किया था कानून इसका एक्सल में आ गया था 1999 में ठीक तो ये दोनों बात ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं तो ये कहानी हो गई अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा जब आई आई बन गया भाई तो जी के अंदर जो चार कंपनियां हम बैठा रखे हैं जिसको जी कंट्रोल कर रहा था तो जी की कहानी ख़त्म करनी चाहिए थी ना क्योंकि अब तो सभी के लिए एक रेगुलेटर आ गया था आई तो हमने जी की कहानी को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया इसके बाद नवंबर 2000 में जी को री नोटिफाई किया जी को नोटिफिकेशन दिया कि बेटा देखो जो तुम्हारे अंदर चार सब्सिडरी कंपनियाँ उनको अब छोड़ो तुम्हारा खेल ख़त्म अब तुमको टाटा बाय बाय कर दिया गया जी GIC को एक नए नाम से लाया गया उसको बना दिया गया जी को जी आई आर ई बना दिया गया जिसको हम री इंश्योर कहते हैं तो जी को अमेंडमेंट 2000 के बाद जो है मार्च ट्वेंटी फर्स्ट को जी के अंदर जो होल्डिंग कंपनी थी उनको सबको खत्म कर दिया गया और इसकी जगह हमने बना दिया जी आई सी आर ई जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन री इंश्योर ठीक है अभी मैं इसका दिखाता हूँ सब्सिडी ये बना दिया गया देखिए अब इसका काम क्या है ध्यान से सुनिएगा बीमा कंपनियां हमारा बीमा करती हैं ठीक है बीमा कंपनियां हमारा बीमा करती हैं इन द सिमिलर वे बीमा कंपनियां अपना बीमा करा के रखती हैं कि इंश्योरेंस कंपनियों को अगर नुकसान हो जाए तो उनको भी कोई पैसा दे दे तो जो इंश्योरेंस कंपनी का जो इंश्योरेंस करता है उसको हम जी कहते हैं इसको इसीलिए हम री इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं ठीक है जी आई सी आर ई जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन री इंश्योर यह क्या करता है ये री इंश्योरेंस करता है कंपनियों का ठीक ये कंपनियों का बीमा करता कंपनी हमारे लिए बीमा करती ये कंपनी का बीमा कर देता है ठीक मिस्टर रामस्वामी एन इसके करंट टाइम में चेयरपर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर है हेडक्वार्टर इन मुंबई थर्ड क्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा ठीक इसकी एक सब्सिडरी कंपनी काम करती है जो साउथ अफ्रीका में है जिसमें पूरा सौ पैसा इसका लगा हुआ है इसका नाम है जी आई सी आरी साउथ अफ्रीका लिमिटेड साउथ अफ्रीका के अंदर एक कंपनी थी जिसको इसने परचेज कर लिया था और उसके बाद ये साउथ अफ्रीका के अंदर जनरल इंश्योरेंस का काम करती है और इंश्योरेंस कंपनियों का बीमा करती है तो साउथ अफ्रीका के अंदर एक कंपनी थी जिसका नाम था सेक्सम आरी है ना तो साउथ अफ्रीका की एक कंपनी थी रे जिसका नाम था सेक्सम आरी इसको इसने खरीद लिया और अब हमारे पास जी आई साउथ अफ्रीका में काम करती है ये क्या करता है साउथ अफ्रीका के अंदर जितनी कंपनियां हैं बीमा की उनका बीमा करता है ये और इसमें पूरा पैसा लगा किसका है इसमें पूरा पैसा लगा है जी आई सी का ठीक है तो उसकी हंड्रेड परसेंट सब्सिडरी कंपनी है ये क्लियर है इसकी टैगलाइन याद रखिएगा आपातकाल रक्षियामी आपातकाल रक्षियामी ठीक है ये इसको टैगलाइन आपको देखने को मिलता है तापात काल में रक्षा करने के लिए कंपनियां अगर डूब रही तो कंपनियों का कंपनी का है ना तो ये उन सब का कहते हैं बड़ा बाप आपको देखने को मिलेगा जी आई सी एक ग्लोबल रे इंश्योरेंस देती है ठीक हेडक्वार्टर मुंबई में आगे बढ़ते हैं देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस वगैरह हमने पढ़ लिया है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ लास्ट मैराथन सेशन में मैंने सब पढ़ाया है आई एम नॉट गोइंग टू रिवाइज इन डिटेल इन शॉर्ट हम लोग देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिटी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन और प्रिंसिपल ऑफ कॉज अप्रोक्सिमा प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट फेथ क्या कहता है कि हम जो भी कंपनी को बात बताएं और जो कंपनी बातें हमें बताएं सभी लोग अच्छे व्यवहार का सिद्धांत है तो हम दोनों लोग सारी बातें एक दूसरे को सही से बताएंगे सुनीता वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा सुनीता मुकेश वाला तो पहला बीमा का सिद्धांत क्या है विश्वास का सिद्धांत सभी लोगों को एक दूसरों को बातें बिल्कुल सही तरीके से बतानी पहला प्रिंसिपल है नहीं देखा हो तो पिछला सेशन देख लीजिएगा दूसरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट आप उन्हीं गाड़ियों का बीमा करा सकते हैं उन्हीं चीज़ों का बीमा करा सकते हैं जिनमें आपका हित छुपा हो जैसे हम अपनी गाड़ी का बीमा करा सकते हैं इसकी गाड़ी का बीमा नहीं करा सकते ठीक है नहीं तो बोलेगा भाई तो घर क्या रहा है ठीक तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है आप उन्हीं चीज़ों का बीमा करा सकते हैं जिनमें आपका हित छुपा हुआ है जिनमें आपका हित नहीं उनका आप नहीं करा सकते फिर से बता रहा हूँ इससे पहले एक इंश्योरेंस का मैराथन सेशन हुआ था आपको प्ले में भी मिल जाएगा उसमें मैंने ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की थी अभी मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं अगला है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिटी बीमा केवल आपके नुकसान को कवर अप करने के लिए होता है ना कि प्रॉफिट के लिए होता है तो जोर जोर से बोल के स्कीम बता के बीमा में कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकते केवल आपको उतना ही पैसे का कवर मिलेगा जितना आपका नुकसान हुआ है उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं ठीक है तो ये हमें ध्यान रखना है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने पढ़ा था कई सारी बीमा कंपनियों से पैसा ले ले तो सभी कंपनियां मिलकर आपको अपना शेयर के हिसाब से पैसा देंगी लेकिन जो टोटल जो आपका लॉस है उससे ज्यादा कवरेज आपको नहीं मिल सकता यह भी एक नियम है इसका ठीक है अगला हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन में क्या है अगर हमारे किसी संपत्ति का नुकसान पहुंचता है और बीमा कंपनी हमें उसका पूरा पैसा दे देती है तो जिस चीज का नुकसान पहुंचा है उस पर मालिकाना हक हाँ अब बीमा कंपनी का हो जाएगा एक एग्जांपल कार ही अपने कार है अपनी चोरी हो गई थी बीमा कंपनी ने हमें सारा पैसा दे दिया लेकिन बाद में पुलिस ने कार को बरामद कर लिया अब आप कहो साहब कार भी दे दो तो ऐसा नहीं होगा कार बीमा कंपनी की होगी कार का एक्सीडेंट हो गया था कार कबाड़ा बन गई थी बीमा कंपनी ने मैं पूरा पैसा दे दिया अब कबाड़ा जो है उस पर मालिकाना हक कार की कंपनी का तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन कहते हैं इसमें ओनरशिप क्या हो जाती है ट्रांसफर हो जाती है ठीक फिर इसके बाद हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन कभी कोई घटना घट जाए तो थोड़ा नुकसान बचाने की कोशिश करिए ऐसा नहीं थोड़ी सी आग लगी पूरा हम और आग लगा दें और पूरा नुकसान जो है बढ़ जाए तो हमें हमेशा नुकसान को कम करने की कोशिश करनी चाहिए ऐसा नहीं कि कार का बीमा है तो चाबी लगा छोड़ दें कोई भी ले जाए क्या दिक्कत है बीमा है नहीं थोड़ा सा नुकसान कम करने की कोशिश करनी चाहिए ठीक है इसके अलावा अभी आपके लिए एक कैप्सूल भी अवेलेबल है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है तो वो भी आपको मिल जाएगा तो उसे आप भी पूरा रिवाइज़ कर पाएंगे और ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा जिसमें पास के कारण के लिए आपको पैसा दिया था दूर के कारण के लिए हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि चूहे ने पाइप काटी शिप डूब गया बीमा कंपनी कह रही हम तो पैसा नहीं देंगे चूहे ने वो पाइप काटी इसलिए जहाज डूब गया आपको पूरा पैसा मिलेगा क्योंकि जहाज के डूबने का बीमा था तो इसलिए कवरेज मिलेगा ठीक है तो चलिए ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर रखे थे तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा ओके आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए ठीक है दिस इज़ द कैप्सूल अवेलेबल फॉर यू जिसमें आपको ये जी पावर कैप्सूल आपको देखने को मिल जाएगी यू आई के एग्जामिनेशन के लिए है ना तो ये जो है आपको मिल जाएगी ठीक तो टेलीग्राम लिंक पर भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म भी मिल जाएगा उस पर भी आपको ये पी मिल जाएगी जिसमें पूरा का पूरा इंश्योरेंस का कंसेप्ट आपका इंग्लिश में और ये पूरी की पूरी ई बुक आपको हिंदी में पूरा कंपाइलेशन है ये आपका लगभग अगस्त से लेकर अब तक का पूरा जो करंट अफेयर्स वगैरह है और इसमें इंश्योरेंस वगैरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पर कंपाइलेशन है ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो सेशन भाई अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ठीक है और ये दोनों पी और जो आज का सेशन की पी है ये सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा ठीक है तो अगर आप नहीं कनेक्टेड हैं तो कनेक्ट हो जाइएगा हाँ ये इंग्लिश में भी है ये भाई इंग्लिश वर्ज़न है है ना देखिए जो ये कैप्सूल है जो बूस्टर है ये आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में तो ये आपका इंग्लिश वर्ज़न हो गया और ये आपका हिंदी वर्जन हो गया ठीक है और मैंने जो नोट्स बनाए वो ऑलरेडी इंग्लिश हिंदी दोनों में बने हुए तो वो भी आपको मिल जाएगा ठीक अच्छा एक चीज़ और मेरे को आपको बताना है ठीक है इसको ध्यान रखिएगा ठीक है बाकी मैंने जो आपको टर्मोलॉजीज वगैरह बताई थी वो सब मैंने इसी के अंदर कवर अप कर दिया उसको भी ध्यान रखिएगा वैलेंटाइन डेज आया है है ना आने वाला है तो थोड़ा सा अपना किताबों से प्यार बढ़ाइएगा है ना और आपको सभी जो है बुक्स पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा तो आप बुक्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकते हैं एनी यू कैन यूज़ द कोड एट फिफ्टी कोड पर आपको जो बुक्स हैं उन बुक्स पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा तो ये आप थोड़ा किताबों से प्यार बढ़ाइए तो कोई ना कोई ज़िंदगी में भविष्य में जरूर आ जाएगा ठीक है इसके अलावा अगर आप जो है महापैक का हिस्सा हैं तो ये सारे जो है एन आई सी एल के सारे कोर्सेज इसका प्री और मीनस का बैच चल रहा है ट्वेंटी थर्ड से तो इसको आप अटेंड कर सकते हैं इसके अलावा मेरा एक फाउंडेशन बैच है जिसमें लगभग जो है डेढ़ सौ घंटे से ज़्यादा की क्लास होगी छः महीने का यह बच है जिसमें इन डिटेल हम फाइनेंशियल अवेयरनेस बैंकिंग अवेयरनेस करंट अफेयर्स जो है कवर अप करेंगे ये अगर आप महापैक पैक ऑलिडी हिस्सा हैं तो ये सारे बैचेस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे तो अगर आप पैक में इनरॉल नहीं हो तो इनरॉल कर लीजिएगा कोड आपके लिए है रेफरल कोड वाई एट फिफ्टी सिक्स टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स सभी के लिए इतना करते हैं और उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ठीक है थैंक यू वेरी मच